तो वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, सेशन अभी स्टार्ट हुआ है भाई साहब, रिकॉर्डिंग अभी से स्टार्ट हुई। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग बेटा। आज मैंने थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाई कि सृष्टि जी की आवाज़ सुनाई दे, लेकिन सृष्टि जी की आवाज़ वैसी सुनाई दे रही है भाई साहब, बिना मतलब मैंने आवाज़ बढ़ाई। खैर चलिए, तो कल हम लोगों ने फंक्शन की जो डेफिनेशन है ये इसीलिए मैंने मिटाया नहीं है, पूरे दिन संभाल के रखना मेरे नन्ने मुन्नों से ना बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से संभाल के रखा है मैंने, क्योंकि ये अपन ने कल इंट्रोड्यूस कर दिया था फंक्शन, तो वहीं से एक बार शुरू करते हैं, फंक्शन के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, सो दैट लेक्चर जो है वो पूरा एकदम इंट्रो ऑफ फंक्शन बन जाए। कल वाले लेक्चर में रिलेशन में अगर आपने रिवाइज किया हो, कोई समस्या आई हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, कोई नहीं, कुछ नहीं है। नो सर। अच्छा, रिवीजन प्रॉपर्ली दोनों दिन ईमानदारी से किया गया है ऑफ क्लास नोट्स? यस यस सर। ठीक है, धीरे धीरे इसमें इलस्ट्रेशंस आने लग जाएंगे, अभी तो रामायण पाठ चल रहा है क्योंकि प्योर प्ले थ्योरी है, ये वो चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जब हम इन्हें अप्लाई करेंगे फॉर्मूले के अंदर, उसके बाद का जो रिवीजन है वो रिटर्न होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट जो एग्जांपल्स हैं वो हैंड रिटर्न होने चाहिए रफ के अंदर, और रफ जो है मेरी गुजारिश है कि रफ कॉपी रफ ही बनाओ, प्लीज़ डू नॉट यूज़ फेयर कॉपी एज अ रफ कॉपी, रफ कॉपी। ठीक है, रफ और फेयर में डिफरेंस समझते हैं ना, पर जिसमें हम लोग आड़ा टेढ़ा लिख सके वो रफ कॉपी नहीं, वो नहीं, जो एक्चुअल में रिसाइकल पेपर से बनती है उसका इस्तेमाल करें। इज इट क्लियर? यस सर। भले ही पसंद हो चाहे ना पसंद हो, अरे सर इतनी सूखली सी लगती, कोई बात नहीं, हम एक एजुकेटेड दुनिया में रह रहे हैं और हमारे तरफ से जितना कंट्रीब्यूट हम कर सकें इस दुनिया के लिए उतना करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका विचार, आपके घर वालों का विचार एक अलग बात है, बट ऐसा मेरा मानना है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एनीवेज, डेफिनेशन की जब हमने बात करी फंक्शन की, रिलेशन हम देख चुके हैं, हमने उतना ही रिलेशन देखा है, फिर से डिस्क्लेमर मार रहा हूँ, कहीं आप किसी किताब के अंदर देखो अरे सर यहाँ तो रिलेशन के 25 पन्ने, आपने तो 4 ही पन्ने लिखे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने उतना ही रिलेशन समझाया है जितना हमें फंक्शन के लिए ज़रूरी है, बस। हमने कोई सेट और रिलेशन नाम का चैप्टर अभी एज अ चैप्टर कवर नहीं करा है या एज अ कोर्स पोर्शन कवर नहीं करा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। फंक्शन हम लोग शुरू कर रहे हैं, फंक्शन की डेफिनेशन लिखाई थी भाई साहब, इट इज़ डिफाइंड एज अ रूल और अ मैनर और अ मैपिंग और अ करस्पॉन्डेंस। अच्छा ठीक है भाई साहब, अब फिर से सुनना मेरी बात, थोड़ा सा तो कुछ तो एक्स्ट्रा जोड़ूंगा ना, ये जो सारे ड्रामे बोले हैं ये एक्चुअली आप लोगों की इंग्लिश की लैंग्वेज में से सिनोनिम बोलते हैं, सिनोनिम, ये एक ही चीज़ के अलग अलग नाम बोले गए हैं रूल के। बेसिकली फंक्शन जो है ना, फंक्शन वो एक बॉक्स है, बॉक्स, या और सस्ते टर्म्स में बोलूं तो एक मशीन है, जिस मशीन को एक लॉजिक दिया गया है, और सच बता रहा हूं इस बॉक्स के अंदर हम जो समझेंगे ना इससे 1 ग्राम भी ज्यादा नहीं है फंक्शन का मतलब, ईमानदारी से। बाकी जो इतना बड़ा चैप्टर अपन ने कर रखा है ना, मतलब अगर आप कोर्स प्लानर के अंदर देखेंगे, और सर इतने दिन पढ़ाओगे क्या फंक्शन, अबे तू घंटे देख भाई, जो घंटे कितने हैं एक्चुअली इट्स अ फाउंड। मेरा अगर बस चले ना, ये तो क्या है कि इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। आपने जीओसी नाम सुना होगा, जीओसी सुना है क्या? जीओसी अपनी लाइफ में यस सर। क्या होता है? जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरे मास्टर ने जिस तरीके से मुझे ऑर्गेनिक पढ़ाई थी ना, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या है उस समय इंडस्ट्री का इतना प्रेशर नहीं होता था, आजकल तो क्या बच्चा ज़्यादा स्मार्ट हो गया, ओवर स्मार्ट कहते हैं वैसे उसे, है ना, देसी भाषा में आजकल का बच्चा क्या ओवर स्मार्ट हो गया, तो वो क्या 10 जगह मुंह मारता है, क्या पढ़ाया क्या पढ़ाया क्या पढ़ाया, 10 जगह मुंह मारता है भाई साहब। ठीक है, तो इसलिए क्या इंडस्ट्री का प्रेशर मास्टर पर बहुत है। मेरे मास्टर ने जिस तरीके से मुझे जीओसी पढ़ाई थी, मतलब जब मैं 12th के बाद मैंने पहली बार कोचिंग ज्वाइन करी, तो उसने यू वोंट बिलीव कि जैसे मान लीजिए 7 महीने का कोर्स, ठीक है, पहले दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाया करता था स्क्रीनिंग का, मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर जिसमें से सेलेक्ट करके फिर सब्जेक्टिव पेपर देना होता था, तो उसे 7 महीने में कोर्स ख़त्म कराना था, 6 मंथ जीओसी चली थी, 6 मंथ जीओसी चली थी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि उसने सब उसी में पढ़ा दिया,
उसके बाद वो आपके एल्डिहाइड, कीटोन, ये जो सारे चैप्टर्स हैं, अगर आपने नाम सुने, पता नहीं अभी तक आपकी ज़िंदगी में आए, या हो सकता है ट्वेल्थ में आए, आई डोंट नो, ठीक है, बट इस तरीके के जो भी रिएक्शन रिएक्शन मैकेनिज्म सब कुछ उसने जीओसी में पढ़ा दिया। मैं ये वाली बात क्यों बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मेरा बस चले ना तो ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन ये मैं 2.5 से 3 महीने पढ़ाऊँ, जब तक अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक पहुँचते हैं ना, ये सारी चीज़ें एक्चुअल में ईमानदारी से फंक्शन के अंदर कवर करनी थी। पर ठीक है भाई साहब, कैलकुलस को एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से पार्ट्स में मैटर कर, नहीं तो फिर बच्चा नाराज़ हो जाता है, बच्चा भी तो नाराज़ हो जाता है, अरे सर हमारे तो एनसीईआरटी में तो 6 चैप्टर दे रखे हैं सर, तुमने एक में निपटा दिया भाई साहब, ऐसा थोड़ी होता है, पैसे तुमने पूरे कोर्स के लिए हैं। तो ये मानसिकता जो है ना, इसकी वजह से इसे ऐसे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ाया जाता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये जो फंक्शन फाउंडेशन है, इसका जो लॉजिक है ना, लॉजिक वो तो इस बॉक्स के अंदर ही बंद है ईमानदारी से। बाकी जो हम लोग इतना लंबा चौड़ा पढ़ते हैं ना भाई साहब 2.5-3 महीने तक, ये सिर्फ इंसानी लालच है, जिसे आपको विजुलाइज करना अगर आ गया, हम बहुत स्लो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमें वो विजुलाइजेशन चाहिए। अगर वो विजुलाइजेशन आ गया ना, तो आप इतने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, एंड बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग बढ़िया, मतलब इट विल बी डेफिनेटली इतना ज़्यादा डिस्टिंग्विशेबल होगा एक दूसरे आदमी में और तुम्हारे आदमी में क्वेश्चन अप्रोच करने के तरीके में, कि तुम्हें खुद को अपने ऊपर इतना ज़बरदस्त प्राउड होगा जो आज तक नहीं हुआ है। और यही हमारा टारगेट है, हर एक चीज़ को इतना बारीकी, हर एक चीज़ को जिस पे मास्टर स्ट्रेस दे रहा है उसको इतना बारीकी से समझें, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था बड़ी चीज़ों में गलतियाँ नहीं होती, गलतियाँ होती है बहुत छोटी चीज़ों में, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ते वक्त उसे इग्नोर कर देते। ये माइंड दीज वर्ड्स, और ये सारी चीज़ें मैं आपको टेस्ट के अंदर दिखाऊंगा, जब आप लोग पढ़ी हुई चीज़, क्लास में पढ़ी हुई चीज़, बोली हुई चीज़, मास्टर की स्ट्रेस करी हुई चीज़ पे अपन हगेंगे, ठीक है। तो इसलिए खैर वो कोई दिक्कत नहीं, हगना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई होना भी चाहिए, तभी तो एहसास होगा भाई साहब हमारी गलती का, नहीं तो हम तो बिल्कुल एकदम राणा सांगा नहीं बन जाएंगे अगर गलती नहीं हुई हमसे, तो वो ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए गलती होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारा लर्निंग फेज, जब तक हमारा लर्निंग फेज है खूब गलती करो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन भैया जब पेपर का वक्त आएगा फाइनल, उस दिन गलती नहीं होनी चाहिए हमसे, ये ध्यान रखना। मैं बोल रहा था फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन एक बॉक्स है, बॉक्स बस एक मशीन है ना, और ये मशीन जो है ना, इसका जो काम है ना, ये देखो कैमरा होता है ना, कैमरा मूवी थिएटर वाला, ये एक ऐसी मशीन है, सिंपल मस्त बढ़िया है ना, ये कुछ लेती है, इसके बीच में एक लॉजिक होता है, लॉजिक उस लॉजिक को ऑपरेट करती है और कुछ देती है, दैट्स इट। वो लेने से ये देने के बीच में ये जो ड्रामा बैठा है ना, ड्रामा बॉक्स, यही फंक्शन। जैसे सपोज करिए इस लॉजिक पे लिखा हुआ है, टू एक्स प्लस फाइव, मैं आपको वो मिलियन ट्रिलियन जिलियन डॉलर चीज़ बोलने वाला हूँ जो देश की 99.99% जनता, आपको जोड़ के बोल रहा हूँ, मेरे बताने के बाद भी आपको जोड़ के बोल रहा हूँ कि गलत बोलती है, मेरे बताने के बाद भी वापस बोल रहा हूँ, मेरे बताने के बाद भी बोल रहा हूँ कि 99.99% जनता देश की गलत बोलती। अगर ये पूछा जाए कि इस जगह फंक्शन कौन है, बहुत छोटी चीज़ बता रहा हूँ वापस से, इस जगह अगर पूछा जाए कि फंक्शन कौन, लोग बोलते हुए मिलेंगे आपको 2x+5, ठीक है, क्या बोलेंगे 2x+5, मतलब इतना थोड़ा बहुत फंक्शन तो ऐसे सुना तो होगा, सुना सुना सा मतलब थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत तो फिजिक्स वाले भी कोशिश कर देते हैं इस शब्द का कभी कभी इस्तेमाल करने की। सृष्टि जी, फंक्शन मतलब 2x+5 को अगर मैं फंक्शन बोलूँ तो ऐसे गुस्सा तो नहीं हो रहा ना? No, ओए ये क्या है भाई साहब, हमें तो बताया पढ़ाया है नहीं, जा तूने जबरदस्ती पहले से यूज करने लग गया, ऐसे मत करना भाई, ठीक है। 2x+5 जो है वो क्या है, चलो इतने आगे नहीं बढ़ रहे हम, इतना आगे हम बाद में बढ़ेंगे, बट ये लॉजिक की बात करता हूँ है ना, ये जो ऑपरेशन है, ये जो मशीन है, इसको हमने एक लॉजिक सिखाया, वो लॉजिक क्या बोलता है ना, वो मशीन क्या बोलती है, या मशीन आदमी के सामने बैठी है, ये वाली मशीन आदमी के सामने बैठी है, आदमी से मांग रही है कुछ, दे भाई दे दे, फिर आदमी ने पूछा भाई तू क्या करेगी इसका, तो उसने बोला मशीन ने, आई विल ट्वाइस द नंबर, एड 5 into it एंड रिटर्न इट टू यू। ये जो बीच में हमने बोला ना बहुत ही फैंसी अंदाज में, दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड लॉजिक, एंड दैट इज़ व्हाट
इज द फंक्शन. रिमेंबर माई वर्ड्स, दैट इज वॉट द फंक्शन. फंक्शन इज अ लॉजिक, इज अ रूल, इज अ मैनर, इज अ मैपिंग, इज अ करेस्पॉन्डेंस. एक रिश्ता है भाई, जो तुम दोगे से तुम्हें मिलेगा. कि बीच में जो ड्रामा हुआ है ओनली वही फंक्शन है. फंक्शन विल नेवर बी 2x + 5. 2x + 5 फंक्शन नहीं है. मार्क माई वर्ड्स, 2x + 5 फंक्शन नहीं है. 2x + 5 आउटपुट है. जिस दिन उस सामने बैठे आदमी ने इस मशीन पे x फेंका था ना, तो इसने 2x + 5 फेंका था. क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. इतनी छोटी सी चीज ना, इतनी छोटी सी चीज डिफरेंशिएशन क्रिएट करती है. क्योंकि ये वो अंडरस्टैंडिंग है जो आपने चीज को समझा है. फंक्शन सिर्फ एक रूल है, सिर्फ एक रूल, दिखाई नहीं दे सकता ना. 2x + 5 तो लिख दिया आपने, ये तो दिख रहा है. समझ रहे हैं मेरी बात? ये तो दिखाई दे रहा है भाई. 2x + 5 तो रूल थोड़ी दिखाई देता है भाई. अरे रूल तो आप सिर्फ सुन के महसूस कर सकते हैं, हमें ऐसा करना है. रूल क्वांटिफाइड फॉर्मेट में आपके सामने पड़ा थोड़ी दिख सकता है ना. अगर आपके घर में रूल बना हुआ है कि सुबह 5 बजे उठना चाहिए, ठीक है, तो इसे आपने सुन के अपने दिमाग के अंदर प्रोसेस किया, उसे रूल कहते हैं. उसे रूल कहते हैं. वहाँ पड़ा हुआ थोड़ी दिख, अरे देख वहाँ लिख, वहाँ पड़ा हुआ है सुबह 5 बजे उठना है. अब ऐसा थोड़ी होता है. अब तुमने लिख दिया वो एक अलग बात है, तुमने लिख दिया वो एक अलग बात है ना. लेकिन रूल कभी पड़ा नहीं दिख सकता. 2x + 5 जो है ना, ये फंक्शन नहीं है. अगर कभी कोई बोले और आपने अगर इस पर आर्ग्यूमेंट कर दिया, ठीक है, दैट इज वॉट इज फर्स्ट इंप्रेशन. इज ये है फर्स्ट इंप्रेशन. ऐसा इंप्रेशन मारो कि अगर उसे भी पता हो ना पहले से ये बात का कि 2x + 5 फंक्शन है, तो भाई साहब उसकी बिल्कुल नीचे से जमीन खिसक जाए. इतनी छोटी छोटी चीज़ों से आप जमीन खिसका सकते हो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में बहुत शक्ति है. एंड पीजी सर के पास ढेर सारे ऑब्जर्वेशन है ना. इसे पी गॉट बोलते हैं. पी गॉट याद है क्या कोटारी जी? पी गॉट की फुल फॉर्म याद ही नहीं होगी, देखना पूरी. नहीं सर, पहली बार सुन. पहली बार से नहीं. अब पी गॉट बोले तो पीजी ऑब्जर्वेशन थ्योरी. पीजी ऑब्जर्वेशन थ्योरी है. मेरी इच्छा होती कभी कभी, मैं मतलब थोड़ा बहुत पैसे और होते हैं ना भाई साहब, किताब लिख देता हूँ पी गॉट. चलो मजाक की बात है. हाँ, मुद्दे की बात सुनो भैया. मैंने इस मशीन ने क्या बोला भैया? तुम मुझे जो दोगे मैं डबल करके उस नंबर का 5 ऐड करके वापस रिटर्न कर दूंगा. बस ये जो मशीन ने बोला है ना, यही फंक्शन. तो फंक्शन इज अ रूल और अ मैनर और अ मैपिंग और अ करेस्पॉन्डेंस विच मैप्स. भैया जब सेटों के बीच में फंक्शन लगाया जाएगा, ये तो हमने इन जनरल बात कर दी, जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले थे वो हमने अभी इंट्रोड्यूस कर दिया. ठीक, सेटों के बीच में जब फंक्शन लगाया जाएगा तो भाई सब कंडीशन लगानी पड़ेगी. कंडीशन कुछ इस तरीके से लगाई गई, विच मैप्स. अगर सेट ए से सेट बी के अंदर फंक्शन डिफाइन किया जाए, विच मैप्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी. कुछ मैपिंग दर्शाई थी यहाँ पे आपको ए और बी के बीच में, और ये चीज भी बताई गई थी कि ए और बी के बीच बनाई गई कोई मैपिंग, मैपिंग नहीं होगी तो भी वो एक रिलेशन को तो रिप्रेजेंट करती है, लेकिन रिलेशन को फंक्शन तक पहुंचाने के लिए दो कंडीशन लगानी पड़ती है, जिसमें ये फंक्शन नहीं था क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट यूज नहीं हुए, ये फंक्शन नहीं था क्योंकि सेट ए का एक एलिमेंट यूनिकली बी के अंदर एसोसिएटेड नहीं था. ए के सारे यूज थे लेकिन ए का एक एलिमेंट यूनिकली एसोसिएटेड नहीं था. सारे यूनिकली एसोसिएट होने चाहिए. इसलिए जो तीसरा फिगर बनाया गया है ये रिलेशन भी है और फंक्शन भी है. ये वाला जो लास्ट वाला है, दिस इज रिलेशन एज वेल एज फंक्शन, बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड. पहली बात. दूसरी बात, एवरी एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी. वन इज यूनिकली एसोसिएटेड विद एक्स, टू इज यूनिकली एसोसिएटेड विद एक्स, थ्री इज यूनिकली एसोसिएटेड विद वाई, 4 is uniquely associated with Z. ठीक है, इसमें यहाँ तक कोई समस्या तकलीफ नहीं है. हम लोग आगे बढ़ रहे. मैपिंग दर्शा के अगर पूछ ले कोई भाई, इतना शरीफ आदमी हो जाए कि मैपिंग दर्शा के, मैपिंग दिखा के अगर पूछ ले बेटा ये फंक्शन है या नहीं है, पर इतना शरीफ आदमी कोई बना नहीं है. इसलिए हम लोग इस डेफिनेशन को थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं, थोड़ा बड़े होने का एहसास कर रहे हैं, और हम लिख रहे हैं कुछ नोट. लिखिए. यस सर. नोट लिखिए साहब.
वाइल्ड फर्स्ट नोट वाइल्ड डिफाइनिंग अ रिलेशन वाइल्ड डिफाइनिंग अ रिलेशन देर इज नो कंस्ट्रेंट देर इज नो कंस्ट्रेंट दैट इज That is ऐसे लिखते हैं अगर नहीं पता हो तो फैंसी स्टाइल में आई डॉट ई डॉट इसका मतलब होता है दैट इज हाँ दैट इज वन एलिमेंट ऑफ सेट ए वन एलिमेंट ऑफ सेट ए मे बी रिलेटेड विथ टू और मोर एलिमेंट्स मे बी रिलेटेड विथ टू और मोर एलिमेंट्स इन सेट बी एग्री करते हैं इस बात से मैं कोई ठीक है नॉर्मल सी बात बोली yes, मैंने है ना सिर्फ शब्दों में इसलिए लिखा दी ट्रू फॉल्स में कभी कभी मिल जाता है ना तो सुना सुना सा लगना चाहिए बात तो सही है रिलेशन को डिफाइन करते वक्त हमने ऐसा कोई रूल नहीं लगाया था सेट ए का कोई भी एलिमेंट एसोसिएट हो ना हो कितने भी एलिमेंट्स एसोसिएटेड हो बी से कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं ठीक है सेकंड सेकंड व्हाइल डिफाइनिंग अ फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है व्हाइल डिफाइनिंग अ फंक्शन Conversion is allowed. Conversion is allowed. Diversion is not. Conversion is allowed. Diversion is not. इसका क्या मतलब है इन फोटोज को थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसे फंक्शन नहीं बोला गया था ठीक है क्यों क्योंकि एक आदमी ने चीटिंग करने की कोशिश की एक लड़के ने एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करी अलाउड ही नहीं है भाई साहब कोई तो निपटेगा पक्का किसी का तो खून होने वाले 100% या तो एक्स वाई आपस में निपट लेगी ठीक है या वन निपटेगा पक्का निपटेगा 100% अलाउड ही नहीं है 1% ही महिला ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती भाई साहब वाले का कोई और हो ना समझ रहे हो क्या है बट सुन लो ध्यान से मैनी लड़का आज कैन हैव वन गर्लफ्रेंड फ्रेंड जोन एक लड़की के बहुत सारे बॉयफ्रेंड हो सकते हैं भाई इधर वाले को थोड़ी देर के लिए हमने महिला शक्ति मान ली और इस वाले को हमने मान लिया पुरुष बेचारा पुरुष के आगे कभी शक्ति नहीं लगती है ये आपने नोटिस किया अगर महिला के आगे शक्ति लग जाएगी है ना वो मतलब आफ्टर शादी इफेक्ट है मेरे को शादी के बाद पता पड़ा ये सारी बात पहले पता पड़ जाती तो अलग बात होती खैर एनीवेज जोक्स अपार्ट मुद्दे की बात पे आते हैं बहुत सारे लोग एक पे मरना अलाउड है लेकिन एक आदमी बहुत सारों पे मरना अलाउड नहीं इसे बोलते हैं डाइवर्जन ऐसे कुछ डाइवर्जन ना एक से बहुत सारी रेज निकल के आगे नहीं जा सकती बहुत सारों से एक एक तरफ जाया जा सकता है कन्वर्जन इज अलाउड कन्वर्ज कर सकते हैं डाइवर्ज नहीं कर सकते क्लियर है क्या यस सर ऐसे सृष्टि जी ऐसे बुरा मत मानना ऐसे मैं कभी महिला शक्ति के बारे में ऐसे बोलूं ये सब मजाक की बात है ठीक है हाँ ऐसे दिल पे मत ले लेना और ये पागल आदमी है क्या भाई दिल पे मत लेना मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं भैया आजकल क्या बच्चे नाराज हो जाते हैं तो डिस्क्लेमर देना पड़ता है चलिए अब बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की जो हम लोग फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं टर्मिनोलॉजी वैसे यहाँ पे ओ आना चाहिए पर मैं जिस हिसाब से बोल रहा हूँ उस हिसाब से मुझे फील नहीं आ रही कि ओ आएगा या नहीं आएगा आई डोंट नो अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो मैं लिख दूंगा नहीं तो मैं छोड़ रहा हूँ
इस जगह क्या आता है भाई, तुम लोग मेरे जैसे हो क्या भाई? भाई राम, ओ आएगा नहीं आएगा? टर्मिनोलॉजी ओ ओ ओ ही आएगा। ये अभी से एक दिन गूगल सर्च करके बताया ना। कैसे लोग हो तुम यार, तुम तो मेरे से भी ज्यादा चमत्कारी हो भाई। मैं इसे बोल्ड कर रहा हूँ जिससे मेरे को याद रहे। हाँ अगली बार से ऐसे बेइज्जती नहीं करवाऊंगा। टर्मिनोलॉजी, सेट ए से सेट बी के अंदर मान लीजिए हमने एक एफ नामक फंक्शन जो है वो डिफाइन किया। सेट ए में सपोज ए टाइप के एलिमेंट है, सेट बी में बी टाइप के एलिमेंट। ऐसे ही ऊपर जो ड्राइंग बनाई है वो इसलिए बनाई है कि बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, इधर भी बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, आई डोंट नो है ना क्या क्या है। मैं टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हमारा ध्यान सिर्फ टर्मिनोलॉजी के ऊपर है। सपोज दिस ए इज एसोसिएटेड विद बी। ये जो एरो बनाया ना मैंने एरो, इसका सिर्फ इतना ही सिग्निफिकेंस है कि डायरेक्शन जो है ना एसोसिएशन की वो सेट ए से बी की तरफ जा रही है। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि फंक्शन एफ जो है वो ए से बी में डिफाइन, ए से बी में डिफाइन। ठीक, अभी और हम इसका मतलब समझते रहेंगे, पहले काम की टर्मिनोलॉजी समझते हैं फंक्शन की। ये जो बी है ना, बी बी ये कहलाता है इमेज ऑफ ए अंडर एफ। एफ कौन भाई? एफ वो लॉजिक है, एफ जो है वो लॉजिक इमेज कहलाती है, इमेज। ठीक है, विद द सेम लॉजिक दिस ए इज कॉल्ड फ्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। सेम चीज भाई, ये इमेज कहला रही है तो ये प्री इमेज कहलाएगी। बी ए की इमेज है और ए बी की प्री इमेज है। ठीक है, हमारी सस्ती भाषा में, सस्ती भाषा में दिस ए इज कॉल्ड इनपुट ना, हमारी भाषा में इनपुट, एंड दिस बी इज कॉल्ड आउटपुट। बी इज कॉल्ड आउटपुट। ये जो बी है ना, बी बी लिखा जाता है एफ ऑफ ए के तरीके से। बी इज कॉल्ड एफ ऑफ ए बोलते हैं कई लोग, कई लोग एफ एट ए बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ए की इमेज बोली गई है या ए पर वैल्यू बोली गई है, ये दो बातें जो मैंने अभी आपको हिंदी इंग्लिश में बोली ना, एफ ऑफ ए, ए की वैल्यू, एफ एट ए, ए पर वैल्यू, ए की बात है। ठीक है, ए की चीज कही है, कहने के अंदाज अलग अलग है। तो बी इज कॉल्ड या बी कैन बी रिटर्न एज बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। मेरी आदत एफ ऑफ ए बोलने की है तो मैं वही बोलता हूँ, ज्यादा अंग्रेज जो होते हैं वो एफ एट ए बोलते हैं। एनीवेज, तो इसे और एक क्या बोला जा सकता है, वैल्यू, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए। यहां देखो मैंने स्टाइल मारने के लिए एट लिख दिया है, आप खुश रहे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए। टर्मिनोलॉजी क्लियर? कोई दिक्कत? सर, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, क्या आप एक बात मानने के लिए तैयार हैं कि एफ जो ए क्रॉस ए से बी में डिफाइन किया गया है, कोई सेट ए से बी में डिफाइन किया गया है, तो मतलब कोई फंक्शन सेट ए से सेट बी के अंदर डिफाइन किया गया है, तो वो जो फंक्शन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा? क्या हम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ वैसे ही। यस सर, ठीक है बेटा, गुड। मतलब ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, अगर आप नहीं मानना चाहें तो भी ऐसे में गुस्सा नहीं होता वैसे। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन इन ऑर्डर्ड पेयर। किसी ने हमसे पूछा
कि भाई साहब एक बात बताइए, जैसे रिलेशन को आपने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया, या फंक्शन को भी किया जा सकता था? बोला बिल्कुल, ठीक है, कैसे किया जा सकता है भाई साहब? लो जी लिख सकता हूँ, तो वैसे जगह है इतनी। अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। चौक के कलर कम पड़ने लग गए यार, ऐसा मजा नहीं आता, ऐसे उठे मल्टीपल कलर्स और चौक मंगाएंगे मस्त वाले कलर। चलिए, क्या बात चल रही थी, भूल गया मैं तो। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन इन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये जानबूझ के मैं ना ऐसे बोलता हूँ। अब मैं ये पूछूंगा कि आपने ऐसे लिखा था या इंग्लिश में लिखा था। उठारी जी, ऐसे लिखा या इंग्लिश में लिखा? ऐसे लिखा था सर। सच में? कसम से? विद्या कसम? सही। विद्या कसम को? विद्या कसम? विद्या कसम नहीं खा सकते? अरे सर ऑनलाइन कैसे खाए? हाँ ये बात भी सही, तेरे तो सामने विद्या पड़ी भाई। विद्या कसम, शाबाश। अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी मे बी रिप्रेजेंट इन ऑर्डर्ड पेयर, मे बी रिप्रेजेंट इन ऑर्डर्ड पेयर may be represent in ordered pair form as a comma f of a comma f of a may be represent in ordered pair form as a comma f of a where A belongs to set A and F of A belongs to set B. नॉर्मल सी बात है, मतलब ऐसा कुछ क्रांतिकारी काम नहीं है, लेकिन जो क्रांतिकारी है वो आपको भी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना, है ना। मान लीजिए सेट A से सेट B के अंदर आपने एक मैपिंग बनाई F A, B, C, सेट A के एलिमेंट 1, 2, 3, सेट B के एलिमेंट A वॉज एसोसिएटेड विद 1, B वॉज एसोसिएटेड विद 1, C वॉज एसोसिएटेड विद 2. If someone ask F of A, F of B, F of C, I should be able to give the answer. F of A was 1. F of B was also 1 and F of C was 2. सही है? और अगर इस फंक्शन को मुझे ordered pair format में लिखना है, I should be able to write again F contains A comma 1, B comma 1 and C comma 2. कोई दिक्कत तो नहीं होगी वैसे इसमें, मतलब ठीक है। ये तो हम रिलेशन बेसिकली थोड़े दिन पहले हम लोग इसे आर लिखा करते थे भाई, यही मैपिंग दर्शा के अगर यहाँ एफ की जगह आर लिखा होता तो मैं इसे आर भी लिख सकता था, लेकिन एफ लिखने के लिए मेरे पास कुछ कंस्ट्रेंट फुलफिल होने चाहिए, तभी एफ लिख सकता हूँ। एफ हैज़ कंस्ट्रेंट, आर हैज़ नो कंस्ट्रेंट, है ना। किसी भी मैपिंग को आर बोला जा सकता था, लेकिन एफ बोले जाने के लिए एक कंडीशन लगना ज़रूरी है। और यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये जो इनपुट और आउटपुट वाली जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये हमने रिलेशन में डिफाइन नहीं करी थी, और ना ही रिलेशन में ये टर्मिनोलॉजी दी जा सकती है। यहाँ आते हैं कॉन्सेप्ट। इफ समवन आस्क यू कि हैव यू एवर हर्ड इनपुट एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन इन रिलेशन, तो आप सर खुजाएंगे ऐसे, है ना, नहीं होते, ठीक है। क्योंकि नहीं, आप अगर थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे तो फिर आप ऐसे बैठे रहें, हाँ दे तो सकते हैं यार, बोल तो वहाँ भी सकते हैं, रिलेशन में भी क्यों नहीं बोल सकते भाई। अगर ये इसी तरीके का एसोसिएशन रिलेशन में दिया जाए तो ए को इनपुट, वन को आउटपुट बोल सकते हैं, क्या बोलती हो सिस्टर जी? यस सर। बोला तो जा ही सकता है, लेकिन नहीं बोलते,
ठीक है। अब क्यों नहीं बोलते ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो पहले उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सुनना ध्यान से, उसके लिए पहले हम इस ऑर्डर्ड पेयर को, इस ऑर्डर्ड पेयर को मैथमेटिकली लिखते हैं। मैथमेटिकली कोई भी फंक्शन सेट ए से सेट बी के अंदर डिफाइंड कोई भी फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, ऐसा हमने ऊपर इंग्लिश में लिखा। मैथमेटिकली मैं उसे क्या लिखूंगा, एफ कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर टाइप ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ ए, ठीक है, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए। सिर्फ इतना लिख दोगे ना, अगर सुन रहे हो, सिर्फ इतना लिख दोगे तो भी वैसे तो सफिशिएंट है, अगर सिर्फ इतना लिख दिया तो भी सफिशिएंट है। इसे बोलते हैं मस्ट हैव। भैया ये बताना जरूरी है तेरे को कि तूने इनपुट कहाँ से लिया। सुनना वापस, वापस ध्यान से सुनना। अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है तो तुझे ये बताना जरूरी है कि जब तुम ऑर्डर्ड पेयर में इसे इस तरीके से लिख रहे हो तो इनपुट कहाँ से, फिर आउटपुट डिफाइन करना क्यों जरूरी नहीं। अबे गुलाब जन, इसकी हेडेक है। अगर वो बी में नहीं जा रहा होगा तो वो वैसे भी डिफाइन नहीं होने वाला। ए बिलोंग्स टू ए बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ दो सेट थे, ठीक है। बट फिर भी कुछ शरीफ लोगों ने बोला कि नहीं यार लिख दो, दो चार ग्राम एक्स्ट्रा लिख दोगे तो तुम्हारा कोई वजन आधा नहीं हो जाएगा, ठीक है, इतना लिखना काफी है बस। अच्छा इसमें ना एक तीसरी चीज नहीं लिखी, जब हमने रिलेशन डिफाइन किया था, याद है आपको, रिलेशन डिफाइन किया था, रिलेशन को जब हमने मैथमेटिकली लिखा था, तो सृष्टि जी बिना पेज पलटे अगर आप कोशिश करें, बिना ईमानदारी से, मतलब ऑनेस्टली, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यस सर। या यस सर, बताना रिलेशन को क्या बोलते हैं। यस सर, यस सर नहीं पूछा है, अटेंडेंस नहीं चल रही है। हाँ, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कॉमा बी, वेरी गुड, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, एंड सर ऐसा भी लिखा था कि ए इज रिलेटेड टू बी। बहुत बढ़िया, आपने थोड़ा सा वैसे ड्रामा, मतलब ड्रामा नहीं, सॉरी एग्जैक्टली वर्ड ना माने मेरा, मतलब आपने थोड़ा सा इसको चेंज किया है, आई लाइक इट। अपन ने ये नहीं लिखा था वैसे, अच्छी बात है, आपका अच्छा लगा मेरे को, जाके लिख सकते हैं अपन। अभिषेक जी आप भी लिख लो, जब हमने रिलेशन डिफाइन किया था, आर कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर टाइप ऑफ ए कॉमा बी, अपन ने लिखे थे ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, बट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी भी लिखा जा सकता है, वेरी गुड। क्या पता यही लिखा था, मुझे मेरे को लगता है मैंने ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी लिखवाया था। सृष्टि जी ने अभी एक और अच्छी चीज़ बोली, नाइस, कुछ डिफरेंस समझ में आया क्या, चीज़ द सेम ही है, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, या फिर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, बट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी लिखने में ये डायरेक्ट फीलिंग आ रही है कि वो ए क्रॉस बी का सबसेट, ये डायरेक्ट फीलिंग आ रही है कि वो ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ये थोड़ी और अच्छी फीलिंग है क्योंकि ये रिलेशन की और डेफिनेशन के पास जा रहा है। बट क्या सारे सबसेट लेने हैं या सारे वो लेने हैं ऑर्डर्ड पेयर, हमेशा ना, ना सिर्फ वो लेने हैं जो ए को बी से आर नामक रिलेशन से रिलेट कर रहे हैं। तो हमने एक चीज़ और लिखी थी, ए इज रिलेटेड विद बी विद रिलेशन आर, लेकिन वो तीसरी चीज़ हमने यहाँ नहीं लिखी, वो तीसरी चीज़ हमने यहाँ नहीं लिखी। अब इसमें क्या हुआ, ट्रस्टी जी ध्यान से सुनना, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि अगर ऐसी ही मैपिंग को मैं रिलेशन कह दूँ तो क्या ए को इनपुट और वन को आउटपुट कह सकता हूँ क्या। तो एक बहुत प्यारी चीज़ पूछ रहा हूँ कि इस फंक्शन की डेफिनेशन या फंक्शन का जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट है, इसको देखने के बाद, इस फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट को देखने के बाद, मेरे दिल ने मेरे से कहा कि क्या ऐसे रिलेशन में भी लिखा जा सकता था। कैन आई राइट इन रिलेशन ए कॉमा आर ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड आर ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट बी। यस सर। हैं? लिखा जा सकता था? यस। पक्का? कृष्णी जी? यस सर। अबे झालर पार्टनर, खेल लियो। अगर लिखा ही जा सकता होता
लिखा ही देता ना बेचारा, फंक्शन तक का इंतजार थोड़ी करता कोई। अरे मुंगेरी लालू नहीं लिखा जाता। अब आप बताइए क्यों नहीं लिखा जाता? तो मैंने बता दिया कि नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्या वजह होगी? तुक्का मारो, तुक्का मारा करो रे, चुप रहने से ज़्यादा बढ़िया है। कुछ बोल दो, मेरा नाम सृष्टि महाजन है, ऐसे ही बोल सकते कुछ तो बोलो। बोलना इस कंपलसरी इन डिबेट कंपटीशन। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि इसमें ए और बी में कोई रिलेशन ही नहीं ना। सृष्टि जी सर मैं सोच रही हूँ अभी तक। देखो आप इसे तभी लिख सकते हो जब ए को पता है कि आर ऑफ ए की क्या वैल्यू है। बट इन केस ऑफ रिलेशन, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसकी यूनिक होने की कोई गारंटी नहीं लेता, इसकी यूनिक होने की कोई गारंटी नहीं लेता। आर ऑफ ए कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है आपको? क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है? क्योंकि हमने इस तरह का कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया वहाँ पे कि जो ए है वो एक ही एलिमेंट से जाके एसोसिएट होगा। भाई रिलेशन के वक्त हमने ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया था, फंक्शन में हमने लगाया। मैं एफ ऑफ ए, देखो भले ही सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्यों ऐसे लिख पा रहा हूँ, भले ही मुझे ये ना पता हो कि ए का एसोसिएशन वन से होने वाला है, लेकिन मैं एक बात के लिए एश्योर्ड हूँ कि एफ ऑफ ए की यूनिक वैल्यू होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो। yes, तो ए कॉमा एफ ऑफ ए, ये जो लिखा हुआ है ना, दैट मेक सेंस इन फंक्शन, बिकॉज एफ ऑफ ए मस्ट बी ए कॉमा एफ ऑफ ए एक यूनिक ऑर्डर्ड पेयर होगा। बट ए कॉमा आर ऑफ ए जो है, इसके लिए मैं श्योरिटी से नहीं बोल सकता, क्योंकि रिलेशन डिफाइन करते वक्त मैंने ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया था। ए एक से ज़्यादा एलिमेंट से एसोसिएटेड हो सकता है, इसलिए रिलेशन के टाइम ने ऑर्डर्ड पेयर को इस फॉर्मेट में नहीं लिखा। हमने लिखा ए कॉमा बी, पेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी, या फिर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ मेरी दुकान बंद नहीं हुई थी, मुझे इसके आगे एक कंडीशन और लिखनी पड़ी थी, ए इज़ रिलेटेड विथ बी। जिस ऑर्डर्ड पेयर में ए और बी में आर नाम का रिश्ता पाया जाएगा, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर लिए जाएंगे, चाहे भले ही ए कितने भी एलिमेंट से एसोसिएटेड हो रहा हो। रिलेशन के वक्त ऐसा था, लेकिन फंक्शन के वक्त एसोसिएशन यूनिक होने की वजह से हम लोग ए कॉमा एफ ऑफ ए भी लिख सकते हैं। डिफरेंस समझ में आया क्या? यस सर। ये छोटी छोटी चीजों में डिफरेंस होता है, देखो कितना छोटी बात है, लेकिन आप किसी से ऐसे डिबेट करोगे ना, और ऐसी चीजें करनी चाहिए फ्रेंड से डिस्कस, ठीक है, उसको क्या पता है, ऐसे मजे लेने के लिए। लेकिन मजे लेते लेते एक्चुअली आपका क्या फ़ायदा होगा, आपको ये चीज़ें बस जाएगी, आपकी अंदर रम जाएगी एकदम, तो ये गलतियां नहीं होगी। जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाएगा ना कोई कभी ना कभी तो कोई मेरे जैसा अवतार आएगा देखो इस दुनिया में, जो कॉन्सेप्चुअल पेपर लेके आएगा, उस दिन दुनिया जो है पानी भरेगी और आप हंसोगे, भाई साहब निपट जाएंगी दुनिया, अब साफ बिल्कुल। चलिए सर, हर चीज़ को हमने मैथमेटिकली लिखा, अब आते हैं हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ। फंक्शन मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन लिखे हुए में ध्यान मत दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको स्पेलिंग आती है सारी, मैंने भी पूरी सारी स्पेलिंग लिखी है। वैसे डेफिनेशन की स्पेलिंग में मेरे को कन्फ्यूजन रहता है, आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं उस दिन, आई टी आई ओ एन आता है या ए टी आई ओ एन आता है, इसलिए मैं डी ई एफ क्या ऊपर एन लगा देता हूँ, रस्ते में काम चलाओ, झंझट ही नहीं, टेंशन लेने का ही नहीं। मैथमेटिकल क्या आता है?
आई टी आई ओ एन आई आएगा ना, हाँ क्योंकि एक्चुअली अपन बोलते डेफिनेशन है, नेशन, नेशन के चक्कर में बार में मेरे कन्फ्यूजन हो जाता है भाई साहब, तो निशन बोलना चाहिए, डेफिनेशन, वैसे डेफिनेशन ही बोलते हैं सही प्रोनाउंसिएशन में, ऐसा मेरे को लग रहा है, आई डोंट नो आपको पता है नहीं पता, बट ठीक है चलिए। हाँ, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब जो फंक्शन की डेफिनेशन है, अगर मैथमेटिकली मैं इसे लिखूँ, देखना आप कितने प्यार से कितने अच्छे तरीके से लिखेंगे, है ना। अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी सेटिस्फाइज सेटिस्फाइज फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइज फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहली बात, f जो है वो a क्रॉस b का सबसेट होना चाहिए, नॉर्मल बात है, क्योंकि अगर हमें ये बात समझ में आती है f कौन है, भाई रिलेशन ही है यार, f इज अ रिलेशन, द काइंड ऑफ रिलेशन, हु इज रिलेशन, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, और f भी अगर एक तरीके का रिलेशन ही है, f भी a क्रॉस b का सबसेट ही होगा। अच्छा, रिलेशन को हमने, एक क्वेश्चन है मेरा, रिलेशन को हमने ए क्रॉस बी का सबसेट बोला था, है ना, तो रिलेशन जो है ना, रिलेशन ऊपर लिख सकते हैं आप, अ रिलेशन इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ट्रू फॉल्स? ट्रू। अभिषेक जी? फॉल्स। जबरदस्ती, मतलब मास्टर ने पूछा तो फॉल्स ही होगा, ट्रू लग रहा है, लेकिन नहीं भैया, इस आदमी ने पूछा इसका मतलब फॉल्स ही, ऐसा थोड़ी होता है कोई हर बार, टीचर इज नॉट ऑलवेज ड्रामेटिक, समटाइम्स ही इज इनोसेंट ऑल्सो, बेचारा सही चीज भी पूछ सकता है कभी कभी, अब दो भी फॉल्स काय बात के लिए फॉल्स पे, क्यों फॉल्स क्यों, चल समझा फॉल्स क्यों, जबरदस्त फॉल्स, समझ नहीं आता सर क्वेश्चन, इसलिए अब गधेड़े, आर जो है, आर रिलेशन, ये ए क्रॉस बी का इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर में जानबूझ के इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ इक्वलिटी पे, आर में भी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ट्रू फॉल्स? आर में भी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ट्रू। ट्रू। क्या बोलते हैं ऐसे रिलेशन को जब वो ए क्रॉस बी के बराबर होता है, ये भी बोला है मैंने, कार्टेशियन प्रोडक्ट, अदरवाइज यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन नाम है, यूनिवर्सल रिलेशन, जब सारे के सारे ऑर्डर पेयर आ जाए भाई साहब, तो ए क्रॉस बी में आते सब आ जाए आर नाम के रिलेशन, तो उसी यूनिवर्सल रिलेशन, मुद्दे की बात, आर जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर भी हो सकता है, इसलिए इसलिए इस सबसेट, इसलिए इस सबसेट के निशान को हमने इम्प्रॉपर सबसेट के निशान से दर्शाया है। चलिए, ये बात तो हो गई आर में, एफ में हम लोग बात करते हैं, एफ में यहाँ मैंने प्रॉपर सबसेट के साइन से दर्शाया है, ठीक है, अगर मैं इसे इम्प्रॉपर सबसेट लिख देता हूं, लिख दिया मतलब ठीक है, मेरी इच्छा है तो मैं कर तो सकता हूं, है ना, तो सृष्टि जी आप बताइए कि क्या प्रॉपर सबसेट वाले टाइम पे आप खुश थी क्या? yes, क्वेश्चन पूछने का तरीका हो सकता है आपको थोड़ा अजीब सा लगे, बट थोड़ा समझिए, सोचिए, जो भी मास्टर बोल रहा है उसको जितना समझ में आए उतने समझ के देखो, क्वेश्चन लिखने वाले ने किस तरीके से लिखा है, उसकी क्या मंशा है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, पर हमें समझ में नहीं आ रहा, ऐसे नहीं चलता काम, समझना पड़ेगा जितना समझ में आ रहा है। खुश हैं, षष्ठी जी ने अभी धीरे से बोला था, बीच में मैंने मिस कर दिया सॉरी, कि वो प्रॉपर सबसेट वाला जो सिंबल था वो उसमें भी खुश थी। अभिषेक जी, हेलो। यस यस सर। अब क्वेश्चन सुन ले, पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो सुन ले, अगर मैंने इसे इम्प्रॉपर कर दिया क्या तुम थोड़े दुखी हुए? यस। गुड, इसका मतलब आप प्रॉपर में ज्यादा खुश थे? यस सर। अच्छा, अब एक्चुअल क्वेश्चन पूछ, अब एक्चुअल क्वेश्चन पूछ, एफ विल ऑलवेज बी अ प्रॉपर सबसेट, क्लासमेट में लिखो, एफ विल ऑलवेज बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, F will always be a proper subset of A cross B.
स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो स्टेटमेंट ही है, सॉरी सेंटेंस नहीं है, स्टेटमेंट है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ट्रू। यस ट्रू। देयर इज नॉट ऑलवेज इन टाइम्स इज ड्रामेटिक आल्सो। क्या मजाक लग रहा था पहले, सारे तूने भाई से बड़ा सा बोला था भैया दोनों स्टेटमेंट सही है भाई। टीचर इज नॉट ऑलवेज इनोसेंट, समटाइम्स इज ड्रामेटिक आल्सो, दिस इज ट्रू। उसको ऊपर जो आपने स्टेटमेंट लिखा ना क्लासमेट में, उसे फॉल्स लिख दो। एफ नीड नॉट बी अ प्रॉपर सब्जेक्ट। हैं ऑलवेज आपने बोला ना, इसलिए वो फॉल्स हो सकता है। हां हो सकता है, नहीं है, हो नहीं सकता है। अब सुन लो बहुत अच्छी चीज, एक बहुत फेमस बुक, नाम नहीं लूंगा अभी, उसके अंदर प्रॉपर सबसेट लिखा हुआ है, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लें, क्योंकि आई रेस्पेक्ट दैट बुक। गलती से उन्होंने भी वही सोचा जो आपने सोचा, ऐसा हो सकता है ना भाई। गरीब आदमी ने भी वही सोचा यार, अब तो हमने कंस्ट्रेंट लगा दी हैं, अब हमने कंस्ट्रेंट लगा दी हैं, तो ए क्रॉस बी का पूरा जो कार्टिजियन प्रोडक्ट है वो तो कभी एफ नाम के रिश्ते में आएगा ही नहीं। सही बात है, सुन रहे हो क्या ढंग से, पूरा का पूरा ए क्रॉस बी जब यहाँ के सारे एलिमेंट में मर पड़ते हैं, वो तो कभी एफ में आ ही नहीं सकता। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि इस दुनिया में अगर एक ही महिला शक्ति बचे, कुछ समझ आया क्या, कुछ आ रहा है क्या समझ में, बोलो जल्दी फटाफट, कुछ आ रहा है क्या समझ में। Yes, ए क्रॉस बी में बोलो कितने एलिमेंट होंगे, जल्दी बोलो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। थ्री। और एफ के ऑर्डर्ड पेयर में कितने एलिमेंट होंगे, थ्री, वो भी थ्री होंगे। अगर एफ बनना है, अगर एफ नाम का फंक्शन, इसे एफ नहीं ले सकते भाई, सभी गड़बड़ हो जाएगा भाई सब, क्योंकि एफ तो फंक्शन है, वो महिला शक्ति के चक्कर में ना मैंने एफ लिख दिया कोई बात नहीं, ये लो ई। अगर यहां से यहां कोई एफ नाम का फंक्शन डिफाइन होना है तो मजबूरन आप चाहो या ना चाहो इन सब को ई पे मरना पड़ेगा, ऑप्शन ही है कि भाई क्या कर सकते। बात समझ में आई नहीं आई, बोलो क्लियर है नहीं है। यस सर क्लियर है। ये बहुत अच्छी, अब इस पे इतनी क्वेश्चन कैसे बन सकता है ये भी सुन, इतना माइंड खुला हुआ होना चाहिए हमारा। अगर कोई पूछ ले कि इक्वलिटी कब होल्ड करती है, तब एफ नाम का फंक्शन ए क्रॉस बी के बराबर हो सकता है, ठीक है, बता सकते हैं क्या कब होगा, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन, व्हेन पूछ रहा हूं भाई मैं, व्हेन के आगे, अब तो मैंने बता दिया भैया, अब तो तुम इंग्लिश में बोलना है यार, तुम लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो। सेट बी कंटेन्स वन एलिमेंट। हाँ देखो कितना अच्छा है, अब तुम तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो भाई, तुम्हें थोड़ी घबराना चाहिए, मेरे जैसा आदमी घबराए इसके आगे इंग्लिश लिखने में, ये तो समझ में आता है। व्हेन सेट बी कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, जब सेट बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा तो एफ क्या होगा, ए क्रॉस बी के बराबर होगा। फिर ए पे तो लगा ही नहीं आपने, ए पे कितनी भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, मरना सबको एक पे ही, ए में कितनी भी हो उससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ए में जीरो हुआ तो अभी तो बावली झालर, फिर नल सेट से थोड़ी कोई फंक्शन डिफाइन करेगा, कम से कम एक तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, लॉजिकल बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये डेफिनेशन पूरी नहीं हुई अभी, तो हमने सिर्फ ये बोला कि F जो है वो A क्रॉस B का सबसेट, इतना ही बोला है अभी तो हमने, यानी कि ये पता है ये इस वाली चीज ने क्या बोला इंग्लिश में, F इज अ टाइप ऑफ रिलेशन, F इज अ टाइप ऑफ रिलेशन, यस। अब हम लोग लगाएंगे कंडीशन, क्यों, क्योंकि भैया सारे रिलेशन थोड़े F होते हैं, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए तो कंडीशन लगाई गई है। अब कंडीशन क्या लगाई गई है वो देखो भाई, लिखो इंग्लिश में लिखना, मतलब सॉरी मैथ में लिख रहे हैं, फॉर एवरी, हर एक सिंबल का मतलब पता होना चाहिए भाई पीजी सर की क्लास में बैठे हो तो, क्योंकि अपन इन्हें ऐसे ही लिखेंगे सो दैट हमें याद रहे। ये उल्टा ए जो है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, इसको बोलते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए देयर एग्जिस्ट
there exist some b belongs to set b such that, कि आगे लिखना मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, b is equals to f of a, b is equals to f of a. अब आप अगर मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताएं ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है, मतलब इंग्लिश में हिंदी में जैसे भी बोलना चाहे बट इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे भी बोलना चाहे. मैंने आपको मैथ में बोल के पढ़ के बता दिया, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू सेट बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए. ट्रस्टीज मुझे आपसे उम्मीद है, वैसे कोशिश करिए बोलेंगी सही आप. आप ये भी बोल सकते हैं सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, ऐसा बोल सकते हैं, यू आर फ्री टू से दैट आल्सो. सर सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए एक सेट बी का एलिमेंट डिफाइन है. बहुत बढ़िया, बस इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, बहुत बहुत है, इतना काफी है. इसका मतलब आपको ये मीनिंग समझ में आ गया, मतलब मुद्दा तो सिर्फ इसके अंदर सिर्फ इतना ही है, सेट ए के हर एलिमेंट के, हर एलिमेंट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए. भाई साहब इसने सिर्फ इतनी बात बोली मेरे को ज़्यादा प्रेशराइज करके कि सेट ए का हर एलिमेंट एसोसिएशन में यूज तो होगा, सेट ए का हर एलिमेंट एसोसिएशन में यूज तो होगा, है ना. अब अगर मैं इसे, इसकी क्लैरिटी मुझे लग रहा है थोड़ी सी कमजोर है, नहीं क्लियर नहीं दिख रहा इसका मतलब आज, कमाल है. तो क्लियर दिख रहा है सब. अरे बोर्ड तो दिख रहा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई. दिख तो सही रहा है, पता नहीं लेकिन आंखें ऐसी लग रही थी, वो दो इधर है, दो इधर है, नींद पूरी नहीं हुई पता इसलिए ऐसा दिख रहा. हाँ मैं भूल गया भाई साहब, क्या बात चल रही थी, इस पे कुछ बात हुई होगी है ना. ए के सारे एलिमेंट एसोसिएशन. हाँ मतलब ये इसने पता है क्या बोला मेरे को, ये मेरे को क्या बोलना चाह रहा है, ये मेरे को बोल रहा है भाई सेट तू चिंता मत कर, सेट ए के हर एलिमेंट के लिए सेट बी के अंदर कोई ना कोई बैठा है. इसने सिर्फ इतनी बात बोली, क्या कंडीशन खत्म हो गई, एक कंडीशन और बची थी बहुत इंपॉर्टेंट, क्या एसोसिएशन मस्ट बी यूनिक, एसोसिएशन मस्ट बी यूनिक. अब उस वाली बात को मैथमेटिकली कैसे कहा गया, ये वाली चीज ध्यान से समझना. तो b इक्वल टू c हो जाएगा. वेरी गुड, अगर कभी किसी फंक्शन को डिफाइन करते वक्त ए से शुरू होते हुए आपको दो ऑर्डर पेयर अगर नजर आ रहे हैं, असंभव है, असंभव, ए से शुरू होने वाले दो ऑर्डर पेयर किसी एफ नाम के फंक्शन में नहीं आ सकते, और अगर लिखे भी हैं तो उसे फंक्शन का दर्जा सिर्फ तभी दिया जा सकेगा जब उनकी सेकंड एंट्री भी बराबर होगी, क्योंकि जैसे ही सेकंड एंट्री बराबर हो जाएगी तो ये सेम ऑर्डर पेयर बन जाएंगे. कभी भी किसी सेट के अंदर सेम एलिमेंट दो बार नहीं लिखे जाते. क्लियर है क्या ये बात, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है क्या, क्रिस्टिकल, क्रिस्टल, क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर. बस नाउ द जर्नी बिगिंस विद पीजी सर. मास्टर अभी तक का ड्रामा चल रहा था, अभी तक हम समझ रहे थे फंक्शन को भाई, अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन समझी है, अब हम लोग ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, ग्राफ पढ़ना, ग्राफ पढ़ना आ गया 60% कैलकुलस ओवर पीजी सर की तरफ से, डोंट वर, डिफरेंशियल कैलकुलस नॉट इंटीग्रल, डिफरेंशियल कैलकुलस ओवर, मतलब सब आ जाएगा अपने को. अगर ग्राफ रीड करना, क्या बोला मैंने, रीड करना, बनाना नहीं, रीड करना, बना बनाया ग्राफ अगर पढ़ना आ गया तो, बना तो अपन लेंगे ही, चिंता मत करो, बना तो अपन कन्फर्म लेंगे,
लेकिन बना हुआ ग्राफ रीड करना आना सबसे इंपॉर्टेंट है। लोगों को वो ही नहीं चमकता कि साला एक्स एक्सिस के ऊपर वाई पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस के नीचे वाई नेगेटिव होगा। पहले तो लोगों को वाई नहीं चमकता वाई क्या है, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, मैंने क्या बोला, जिस दिन मेरे जैसा आदमी पेपर बनाएगा ना, और ये पूछे गए हैं पास्ट में, ये चीज़ एक बार पूछी गई, कोई तो अच्छा आदमी आया होगा मेरे जैसा जिसने ये चीज़ पूछी है, ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फंक्शन, छोटी चीज़ लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट। देखो मैं छोटी इसलिए बोलता हूँ, मैं इसलिए नहीं बोलता छोटी कि आप लोग नज़रअंदाज कर दो, ऐ बावड़ा साला छोटी कराता रहता, मैं इसलिए छोटी बोलता हूँ दैट आपको समझने में बहुत आसान लगता है। नॉर्मल बात है, ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फंक्शन, लेकिन दुनिया को नहीं पता होती भाई, दुनिया उस तरीके से देखती नहीं, लेकिन आपको देखना है। मान लो, देखो भाई, अगर आपने बचपन में 9th-10th के अंदर ऐसी दो लाइनें खींची है, इन्हें ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे क्या बोलते थे आप लोग? X-axis. अब हम बड़े हो गए हैं, ये मेरा इनपुट वाला सामान है जो मेरे पास बोरे में भरा हुआ है ना, यहाँ पे बोरे में ऐसे, वो सामने मशीन है, यहाँ में बोरा समझते हैं, बोरा बैग नहीं, बैग yes, बैग बोलते हैं, अरे तू क्या थेला, मैं इंग्लिश की तरफ जा रहा हूँ, तू थेला और एसटीसी करा दे उसकी। बोरे को सैग बोलते हैं, सैग SAC सैग है ना, यस सर, इंग्लिश अच्छी हो रही है भाई साहब मेरी, तुम लोगों के साथ रहते रहते, आई लाइक इट। हाँ ये जो है, ये भूल गया भाई साहब, हाँ ये जो है, ये क्या है, इनपुट है, इसे बोलते हैं इनपुट एक्सिस। इसे जिसे आप लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते थे, मेरे लिए यानी कि फंक्शनल यानी कि कैलकुलस आई, जो भी हम लोग कर्व वर्व बनाएंगे ना, कर्व फंक्शन का ग्राफ जिसे बोलते हैं या कर्व जिसे बोलते हैं, उसमें इसे आउटपुट बोला जाता है, जो मशीन हमें देती है, मशीन है ना। तो जब हम लोग y इज इक्वल्स टू f ऑफ x को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, यही हमारी जिंदगी है भाई साहब, अगले 2.5-3 महीने बस सिर्फ यही जिंदगी है। पूरा जो कैलकुलस है ना, कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस की बात कर रहा हूँ, ये बनी ही इसलिए है कि इसका पोस्टमार्टम किया जा सके। पोस्टमार्टम करने के लिए, पोस्टमार्टम समझते हैं, वो निपट जाता है तो उसके बाद जो हॉस्पिटल में किया जाता है, पोस्टमार्टम इज कि हर एक छोटी से छोटी वजह का पता किया जा सके। फंक्शन का पोस्टमार्टम मतलब सब कुछ, जितना हम लोग उस फंक्शन के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं वो निकाल लें, और इन्हीं को हिस्सों में बांटा गया है जिसे अपन डिफरेंशियल कैलकुलस में चैप्टर्स कहते हैं। इसका सबसे पहला चैप्टर हम फंक्शन पढ़ रहे हैं कि हम सिर्फ फंक्शन के बारे में जानें, इसका पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं अगले 2.5-3 महीने, उसके बारे में हम जाने, ठीक है। अब क्या क्या जाने, जैसे अगर इसका ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, इसका ग्राफ अगर आपके सामने बना हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से अगर किसी फंक्शन का ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, तो हम बोलेंगे, सुनना, हम बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। अब रीजन सुनिएगा, है ना, ग्राफ कैसे बनता है, इसके लिए हम लोग जाएंगे पाश्चात्य संस्कृति में। पाश्चात्य संस्कृति को इंग्लिश में बोलते हैं इन द एंशियंट पास्ट, समझ गए, इन द एंशियंट पास्ट, नहीं समझ में आ रहा भाई साहब, अबे तुम लोगों के भूतकाल में जा रहे हैं, पास्ट में, जब बचपन में आप लोग y इज इक्वल टू 2x+5 प्लॉट किया करते थे, यह कब जिंदगी में, हाँ सर सुना है ना, ऐसे प्लॉट करते होंगे शायद, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना, हाँ मुझे पता है एरो भी बनाते थे दोनों तरफ, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, आई डोंट नो आपके घर, आपके सॉरी घर वाले क्या, आपके स्कूल वाले ऐसे कराते थे, नहीं कराते थे, इधर एक्स डैश ऊपर वाई नीचे वाई डैश कराते थे क्या? यस सर कराते थे ना, ऐसे एक्स डैश वाई डैश लिखते थे, माइनस एक्स माइनस वाई लिखते थे, ये डिपेंड करता है टीचर, माइनस एक्स माइनस वाई, कृष्टी जी माइनस एक्स माइनस, किसी को एक्स डैश वाई डैश नहीं लिखाते थे यार, सब एनसीईआरटी की बुक देख के पढ़ाते हैं भाई।
सब एनसीईआरटी की बुक देख के पढ़ा, दिस इज नॉट फेयर। एक्स डैश वाई डैश भी बोलते हैं। चलिए एनीवेज कोई बात नहीं, मजाक की बात, मुद्दे की बात ये है कि इधर पॉजिटिव जा रहा है इधर नेगेटिव, इधर ऊपर वाई पॉजिटिव है वाई नेगेटिव, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब हम बड़े हो रहे हैं, पहले हमारा काम कील ठोकने से चल गया था, पिन पॉइंट जैसे आप लोग बोलते हैं ना, ऐसे आपने मस्ती से ऐसे कीले ठोकी, छटाक, यहाँ भी ठोक दी, यहाँ भी ठोक दी, है ना, फिर उन्हें एक स्केल लेके जोड़ दिया तो आपको पाँच नंबर मिल गए, पाँच पॉइंट बनाओगे तो पाँच पॉइंट पाँच नंबर मिलेंगे, ऐसे टीचर धमकी भी देता था, पाँच पॉइंट नहीं हुए एक भी पॉइंट अगर इधर उधर हुआ तो पाँच नंबर नहीं आएंगे, ऐसे धमकी भी देता था। खैर चलो वो तो उस जमाने की बात है, लेकिन अब हमें इसकी एक्चुअलिटी समझनी है। ये जो होते थे ना, ये एक्चुअली फंक्शन के डेफिनेशन में इनपुट हुआ करते थे। हम जो बोरियां लेके बैठे रहते हैं ना भाई साहब, हमारे पास है ये हमारे पास है, एक्स सामने लॉजिक बैठा है, लॉजिक ये रहा, लॉजिक 2x प्लस 5 नहीं है कभी भी। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया लेक्चर के स्टार्टिंग में, व्हाट इज लॉजिक, तुम मुझे जो दोगे मैं डबल करके 5 ऐड करके वापस रिटर्न कर दूँ, तो लॉजिक है। तो मैंने इस पे नंबर फेंके, वो नंबर एक्स एक्सिस पे आते हैं, जैसे इसके ऊपर लाए करने वाला एक पॉइंट 1.7, इसमें 1 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, 7 कहाँ होगा, वाई एक्सिस। तो सुनो ध्यान से, 1 पे जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, इतना तो दिख रहा होगा कि मेरी बात समझ में आ जाए, है ना। 1 पे ये ग्राफ यहाँ पर है, 1 पे ये ग्राफ यहाँ पे है, दो बातें हैं इससे एसोसिएटेड। पहली, 1 पे ये वैल्यू रही होगी, 1 पे ये वैल्यू आई होगी इसलिए ग्राफ है, क्योंकि सुनना दूसरी बात वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1 पे चूंकि ग्राफ यहाँ है तो वैल्यू यहाँ होगी। क्या दोनों बातें समझ में आई क्या? सर उल्टा ही तो बोला है। हाँ उल्टा ही बोला है, लेकिन जो उल्टा बोला है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई। 1 पे ग्राफ यहाँ क्यों है, ये वैल्यू आई होगी यार इसलिए, उसी तरीके से ग्राफ बनता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लेके, वो तो हम तो क्या राणा सांगा थे, हमें तो मास्टर ने रटा रखा था, इसलिए हमारे तो 4-5 पॉइंट से ग्राफ बन जाता था। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति, और पीछे अपने खुद के पीछे मत जाओ, एक्चुअलिटी में वर्ल्ड के पीछे जाओ, पास्ट में जब पहली बार इंसान ने इसका कर्व बनाने की कोशिश करी होगी, तो उसे कोई रात को ऐसे भैरू जी तो आए नहीं होंगे उसके सपने में, बेटा ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी ना, उसने तो बहुत सारे पॉइंट्स रखे होंगे, 1000-2000 लाखों करोड़ों अरबों खरबों सरबों, तब जाके उसे पता पड़ा होगा, बहुत पास पास के पॉइंट रखे होंगे, तब जाके उसे पता पड़ा होगा, अरे इधर से एक रेखा है। क्या मेरी बातें समझ में आई? यस सर। हर एक चीज समझ में आनी चाहिए मेरी, क्योंकि वो मैं बहुत लॉजिकल बातें कर रहा हूँ, एंड कैलकुलस इज वेरी लॉजिकल, दिखती है चीजें। अगर मेरी बातें अगर आपके दिमाग में स्टेबल हो जाएगी ना, तो आपको चीजें दिखेगी और तब मजा आएगा, और तभी एक्चुअल पढ़ाई जाएगी, वरना सब मिथ्या है भाई साहब, सब कुछ मिथ्या है, किताबी ज्ञान का कोई फायदा नहीं। तो किताबों से नहीं पढ़ लेते, पीजी सर की जरूरत क्यों पड़ती, इसलिए पढ़ती क्योंकि हर एक चीज को हम विजुलाइज करेंगे, हर एक चीज। जब पहली बार किसी ने 2x प्लस 5 बनाने की कोशिश करी होगी भाई साहब, उसने बहुत पॉइंट रखे होंगे पास पास के, खोद खोद। लेकिन अब हमारे लिए समझने के लिए क्या है, हमारे लिए समझने के लिए ये है कि अगर मैं पूछूं कि भैया इस एक्स पे आउटपुट क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम एकदम ऐसे खड़े हो जाएंगे इस एक्स एक्सिस पे, इस ग्राफ को ऐसे ऊपर जाएंगे, सुनना ध्यान से, इसके ऊपर 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 चलेंगे, और जिस जगह हम लोग ग्राफ से, इससे ग्राफ से मिलेंगे, उस दिन हम लोग वाई एक्सिस की तरफ चलने लगेंगे। मेरी एक एक बात क्लियर होनी चाहिए, दिस विल बी द आउटपुट एट दिस इनपुट, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यस सर, इज इट क्लियर, यस सर। ठीक, यही काम हमने यहां करने की कोशिश, और मैंने पूछा मुन्ना इस एक्स पे, इस अगर आपको दिखाई दे रहा है तो रेड कलर से नहीं दिखता है, वेरी गुड आई लाइक इट, येलो कलर से दिखेगा, इस एक्स पे वाई की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ खड़े हुए, दो वैल्यू, हाँ तो हम यहाँ खड़े हुए और हम कंफ्यूज आ गए, कहाँ जाएं, ऊपर नीचे,
क्यों? क्योंकि इस एक्सिस पे, ध्यान से सुनना मेरी बात बहुत अच्छे से और इसे लिखना भी है, व्हेन वी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, इसे इंग्लिश में कई किताबें जबरदस्ती नाम नहीं दे देते कई लोग, जबरदस्ती कुछ भी नाम, तो इसे जबरदस्ती दिया गया जो नाम है वो है वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या है? वर्टिकल लाइन टेस्ट, जबरदस्ती दिया हुआ नाम, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अच्छा, क्या कहता है भाई साहब ये VLT? जबरदस्त, मुझे नहीं पता इसका एक्चुअल में नाम है या नहीं है, दे दिया लोगों ने ऐसी जबरदस्ती कुछ नाम देने के लिए, वर्टिकल लाइन टेस्ट। किसी हॉरिजेंटल, सॉरी, किसी पॉइंट पे बनाई गई वर्टिकल लाइन अगर मेरे कर्व को कितने पॉइंट पे, दो पॉइंट, कुछ बोल दो कुछ भी, क्या दो पॉइंट पे या दो से ज्यादा? हाँ, गुड बेटा, वेरी गुड, दो या दो से ज्यादा, मोर देन वन पॉइंट, ज्यादा स्पेसिफिक, मोर देन वन पॉइंट पे कट करती है तो वो कर्व फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वो कर्व फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें, व्हेनेवर अ वर्टिकल लाइन कट्स द कर्व या कट्स द गिवन कर्व मोर देन वन पॉइंट्स, इट कैन नॉट रिप्रेजेंट, इट कैन नॉट रिप्रेजेंट, इट कैन नॉट रिप्रेजेंट फंक्शन इन एक्स, फंक्शन इन एक्स, और लिखिएगा क्योंकि हम लोग जागरूक लोग हैं और हम लोग आगे तक देखते हैं, कैन नॉट रिप्रेजेंट फंक्शन इन एक्स। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि इस दो पॉइंट का क्या मतलब हुआ? दो पॉइंट का मतलब ये हुआ कि इस एक्स को रखने पर, इस एक्स को रखने पर वाई की दो वैल्यूज आई हैं, वाई वन और वाई टू, विच इज नॉट अलाउड, विच इज नॉट अलाउड, विच इज नॉट अलाउड इन द नोटेशन ऑफ फंक्शन और इन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन में ये बिल्कुल कतई अलाउड नहीं था कि एक इनपुट पर दो आउटपुट आ सके। क्या एकदम 100% क्लियर है भाई साहब मेरी बात, ट्रस्टी जी? यस सर। ट्रस्टी जी की बात फिर दबा दी तुमने यार, सारी जी तुम ट्रस्टी जी की आवाज दबा देते हो यार बेचारी, अनम्यूट भी करा था कुछ बोलने के लिए, फिर तुम्हारे पीछे उसके बाद दब गई बेचारी। ओ सॉरी। ट्रस्टी बेटा कोई समस्या? नो सर। ठीक, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोल रहा है भाई साहब? कोई भी वर्टिकल लाइन बनाई हमने, अगर उसने दिए गए कर्व को एक से ज्यादा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, इंग्लिश में एक से ज्यादा पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट किया, वो जो कर्व है, जो दिया गया कर्व है, फंक्शन इन एक्स रिप्रेजेंट नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये उड़ा रहा हूँ सारा मैं, ये मान के कि ये सब आपने लिख लिया है। वैसे क्या मैं लिखने के लिए आपको सफिशियंट टाइम दे रहा हूँ? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरी तरफ से आपके लिए। यस सर। ठीक, अभी तो समय है, मुझे लगा कहीं समय सीमा क्रॉस ना कर, आप लोग मुझे थोड़ा ध्यान दिला दिया करिए समय का, मैं भावुक हो जाता हूँ ना तो फिर उसके बाद पता नहीं पड़ता मेरे को। डोमेन रेंज मैंने गलत लिख दिया, लेकिन मैंने इतना प्यारा लिखा है कि मैं इसे मिटाना नहीं चाह रहा, लेकिन आप अपनी कॉपी में रेंज थोड़ा आगे लिखिएगा क्योंकि बीच में एक आइटम रह गया, कोडोमेन, और मैंने तो प्यारा लिख दिया इसलिए मिटाना नहीं चाह रहा यार, तो मैं ऐसे झोंपड़ी बना देता हूँ, ऐसे झोंपड़ी बना देते ना, बनाई है कभी आपने? यस सर। हाँ, कुछ भूल जाते हैं तो ऐसे, पर एसी वाली नहीं बनी, ऐसी वाली नहीं बनी। कैसी बनाई फिर? सीधी बनाई होगी, सीधी, मैंने झोंपड़ी उल्टी लटका दी है, आपने सीधी बनाई होगी ऐसे। Yes, sir. वो नहीं बनाते ही वैसे ही है, लेकिन मैं अगर ऊपर लिखता ना तो कैमरे के बाहर चला जाता, इसलिए मेरी तो मजबूरी है मेरे को ऐसे लिखना पड़ा है। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन,
डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, यहाँ से हमारे धीरे धीरे छोटे छोटे हल्के हल्के फुलके फुलके जो वो हैं, कोई एंट्री मांगने की कोशिश कर रहा है लेकिन मैंने उसे 5-10 मिनट से लटका रखा है, ये बहुत गलत बात है। ऐसे थोड़ी भैया किसी भी टाइम पे आके आप दरवाजा खटखटा लें। भारतवाजी हो गए हैं, अब पता नहीं नाम दिख नहीं रहा, बहुत दूर से मतलब बहुत छोटा सा दिख रहा है भाई का, रहने दो, मस्ताने दो, लोगों को कदर ही नहीं है समय की, मास्टर की नहीं तो साला खुद के समय की तो कदर करनी चाहिए कम से कम। चल क्या रहा है, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, लिखिए साहब, डोमेन लिखते हैं सबसे पहले, लेट अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, लेट अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसमें एक अच्छी चीज, आपको पता हो रिलेशन में हमने डोमेन कैसे डिफाइन किया था, रिलेशन में हमने डिफाइन किया था सेट ए की यूज्ड एलिमेंट, बट डोमेन यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्रिविलेज है, क्या 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 प्रिविलेज है यहाँ पे हमारे लिए? एनी आइडिया, कुछ भी सर, ये पूरा सेट ए आ जाएगा, the entire set A is called the domain of the function, the entire set A, the entire set A is called domain of function, is called domain of function। भाई पूरा का पूरा सेट ए ही डोमेन है भाई, पूरा का पूरा सेट ए ही डोमेन है, क्यों? क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट यूज होना जरूरी है, पहली कंडीशन ही यही है। तो पूरा का पूरा जो सेट ए है, कि जो पूरा जो सेट ए है वो उस फंक्शन का क्या कहलाता है, मेन कहलाता है, ठीक है साहब। अब सुनो, इसका एक मतलब और है, इसका एक मतलब और है। एक्चुअली फंक्शन के लैंग्वेज में, फंक्शन की लैंग्वेज में, दिस पार्ट ऑफ द मूवी इज कॉल्ड, दिस पार्ट ऑफ द मूवी इज कॉल्ड इनपुट सेट। अगर हम लोग फंक्शन की भाषा में, किसी किताब में मैंने नहीं पढ़ा है तो अपन ये मान लेते हैं कि ये अपनी लैंग्वेज में अपन ने इसे बोल दिया इनपुट सेट ये, और इसे बोल देते हैं भाई साहब आउटपुट सेट। अपने समझने के लिए अपने इसे इनको नाम दे दिया इनपुट सेट आउटपुट। अब इस लाइन से मेरे को एक और चीज समझ में आई, और क्या, फंक्शन का इनपुट सेट हमेशा हमेशा उसका डोमेन सेट होता है, हमेशा उसका डोमेन सेट होता है, एंड वाइस वर्सा, वाई वाइस वर्सा। कभी अगर किसी फंक्शन का इनपुट सेट डिफाइन नहीं है या नहीं दिया गया है बाय डिफॉल्ट, क्या लेके चलेंगे? एक डोमेन सेट, डोमेन सेट, एक्स एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस पे तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर हैं। अब हम लोग दुकान चालू हो चुकी है भाई क्वेश्चंस की, है ना। अब हम लोग जो बोरी लेके बैठे हैं ना, बोरी समझ रहे हैं, बोरी लेके जो बैठे हैं, बोरी में हमारे पास क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, बोरी में हमारे पास एक्स बिलोंग्स टू आर है, यानी रियल एक्सिस जिसे आप लोग बोलते हैं, जिसे आप लोग हॉरिजेंटली प्लॉट किया करते थे। क्यों प्लॉट किया करते थे? क्योंकि ये मेरा इनपुट एक्सिस है, ऐसे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी पूरा एक्सिस है, ये मेरा रियल एक्सिस है, ये मेरा इनपुट एक्सिस है, ये मेरे पास जो सामान पड़ा है इस बोरी के अंदर, जो मैं उस सामने पड़े हुए लॉजिक में ऐसे यहाँ से उठा उठा के डाल सकता हूँ, या सटाक या सटाक या सटाक या सटाक, सही है। ये हमेशा
ऑल रियल होगा, लेकिन मेरा जो फंक्शन होगा, जो लॉजिक वहां बैठा है, वो तभी डिफाइन, वो कौन से वैल्यूज के लिए डिफाइन कहलाएगा, उसकी डोमेन वाली वैल्यू के लिए, जिसे हम आज यहाँ पे कोशिश करने वाले। नाउ ये तो हो गया डेफिनेशन। अगर f a से b में डिफाइन है तो पूरा का पूरा a सेट जो होगा वो उसका डोमेन कहलाएगा। ठीक, nobody will ever ask you ever, फंक्शन में बनने वाला पहला क्वेश्चन हमारी जिंदगी का अब तक जितना हमने पढ़ा है, पहला अब तक जितना हमने पढ़ा वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे। तो जेनरिक क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहली चीज जो पूछी जा सकती है फंक्शन चैप्टर में वो पूछी जा सकती है डोमेन। Nobody will ever ask, पूछ ही नहीं सकता। अगर उसने इस तरीके से लिखा और तेरे से डोमेन पूछ लिया तो क्या कद्दू क्वेश्चन पूछा उसने? ये रहा डोमेन, लिखा पड़ा यहाँ पे, ऐसे नहीं। कैसे पूछेगा वो सुनो। When y is equals to f of x is a function in x, is a given function in x, झोंपड़ी बना लो झोंपड़ी, अगर लिख लिया है तो, नहीं लिखा है तो पहले से स्पेस दे दो। When y is equals to f of x is a given function in x, then domain, देखिए, then domain is the set of values, is the set of values for which y is defined, for which y is defined. इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी का सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, उसे भी तो रेस्पेक्ट करना जरूरी है भाई, उसमें भी मार्क्स लाने हैं अपने को, है ना, इज्जत करते हैं थोड़ी सी। फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल्स टू 1/x, सबसे सिंपल एग्जाम्पल वाई इज इक्वल्स टू 1/x। ये 1/x क्या है? ये मेरा फंक्शन इन एक्स, बेसिकली मेरा लॉजिक कि भाई यहां से उठा के, तुम बोरी में से उठा के जो मेरे पे फेंकोगे मैं उसका रेसिप्रोकल करके तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। तो जब ये बोरी मैंने देखी और इसमें से नंबर उठा उठा के मैं फेंक रहा था, तो एक नंबर को फेंकते वक्त मेरा दिल धकधकाया। कौन सा नंबर था वो? जीरो। जीरो। कस्टी जी एग्री? यस सर। क्यों बेटा? तो क्योंकि फिर y इन मतलब नॉट डिफाइंड आ जाएगा। इन्फिनिटी नहीं बोलना चाहिए ना, गरीब लोग बोलते हैं इन्फिनिटी, उन पे ऐसे हंसने का भी नहीं तो ठीक है, ऐसे लाचारी से उनको देखने का, अरे बेचारे को पता ही नहीं है। 1/0 नॉट डिफाइंड, नो डिस्कशन। अब ऐसे कोई पीछे पड़ जाए, नहीं बता 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 क्या होता है, वैसे धीरे से बोल दो इन्फिनिटी, वो सुनना चाहता है शायद, नहीं तो नॉट डिफाइंड। हम तो सही ही बोलेंगे 1/0 इज नॉनसेंस इन मैथमेटिक्स, 1/0 का कोई मतलब नहीं होता, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, सिंपल। इसके डोमेन की जब बात करी गई, तो आया एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल, वेरी गुड, एक्सेप्ट जीरो। लिखना आना चाहिए ऐसा भैया, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इतनी जो इनइक्वलिटी है ये हमें आती है, कोई समस्या तो नहीं है इसमें? नो सर। नो सर। भी आपने इनइक्वलिटी पढ़ी हो बचपन में, एक गुजारिश आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको नोट्स रिवाइज हो जाते हैं टाइम पे तो आप क्वाड्रेटिक, जहाँ भी आपके पास नोट्स लिखे हुए, जैसे भी नोट्स लिखे हुए, क्वाड्रेटिक और इनइक्वलिटी इसे एक बार रिवाइज कर लें, जो आगे के लेक्चर्स में सबसे ज्यादा काम आने वाली, सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीज। तो y इज इक्वल्स टू 1/x, डोमेन क्या है भाई साहब इस फंक्शन का? x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो, मीनिंग समझे भाई, जीरो इसमें नहीं रख सकते, इसके अलावा कुछ भी रखो। कभी कभी कुछ लोग स्टाइल मारने के लिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसे इस तरीके से भी लिख देते हैं,
ये जीरो दिख नहीं रहा ना, जूम करके दिखाता हूँ, मेरे को अब तो दिखना चाहिए। हाँ अब कभी कभी लोग बाग इसे ऐसे भी लिख देते हैं जिसे आर नॉट बोला जाता है। एप्सिलॉन नॉट जानते होंगे ना, एप्सिलॉन नॉट आ गया क्या आपकी जिंदगी में? एप्सिलॉन नॉट अभी तो नहीं आया होगा, ट्वेल्थ में आता है। नहीं है। एप्सिलॉन नॉट थोड़ी, नॉट थोड़ी आया होगा आपकी जिंदगी में, ये वाला सिंबल। ये आ गया क्या आप लोगों की जिंदगी में? नहीं सर। सृष्टि जी हाँ बोल रही है शायद। कहाँ पे आया सृष्टि जी? नो सर। अच्छा नहीं बोल रही थी, सॉरी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके एक चैप्टर है ट्वेल्थ क्लास के अंदर, उसके अंदर आएगा। मेरा फेवरेट था भाई साहब, मतलब डाई हार्ट फेवरेट जैसे बोलते हैं ना, भयानक। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। हाँ चल कह रहा था, अच्छा डोमेन चल रहा था भाई साहब। तो इसे कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो को कभी कभी आर नॉट भी लिख देते हैं, ठीक है। नॉट स्टैंड फॉर जीरो, तो आर में से जीरो हटा दो, आर नॉट भी बोला जाता है। कभी लिखा हो मिल जाए तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए इसका डोमेन आपको समझ में आ गया। जैसे किसी ने बोला, सपोज एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट अंडर एक्स माइनस टू। वेरी सिंपल, फिर से वेरी सिंपल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट अंडर एक्स माइनस टू। नाउ द लॉजिक इज सेइंग व्हाट एवर यू गिव मी, सबसे पहले आई विल सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम दैट नंबर एंड देन टेक स्क्वायर रूट। नाउ स्क्वायर रूट के कुछ ख्वाब है, ये आप जानते हैं। ये स्क्वायर रूट जो है इसके अपने आप में कुछ ख्वाब है, क्या कि उसे कैसे नंबर एज अ इनपुट मिलने चाहिए। सृष्टि जी स्क्वायर रूट की एक ख्वाहिश है कि यार मेरे को जिस भी नंबर पे चढ़ाओ ना, वो तो नंबर जो है इस तरीके का होना चाहिए। किस तरीके का? पॉजिटिव होना चाहिए। यार साहब नॉन नेगेटिव। कृष्टी जी यस सर। और बता तो दिया, बारा इसलिए पूछा जा रहा है, क्या कुछ बदलना चाहेंगी या अभी भी आप अपने आंसर से चिपका रहना चाहती हैं? सब बदलना चाहूंगी। क्या बदलना चाहेंगी सर? जीरो भी इंक्लूड करना चाहिए। वेरी गुड बेटा, इसका मतलब आपको नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस पता है। वेरी गुड। द अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट, अंडरलाइंग मतलब उसके नीचे जो है, स्क्वायर रूट के अंदर जो है, अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट मस्ट ऑलवेज बी अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, मस्ट ऑलवेज बी अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। तो एक्स माइनस टू मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। और अगर इस डोमेन, इस फंक्शन के डोमेन की बात करी जाए, इसका सॉल्यूशन क्या आया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, तो इसके डोमेन की बात करी जाए तो x बिलोंग्स टू क्लोज टू टू इन्फिनिटी। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। वेरी सिंपल, ऐसी वैल्यूज x की या इनपुट की एक्सेप्ट करी जाएगी जिसके लिए y या फिर f ऑफ x डिफाइंड हो। अगर x माइनस टू की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो f ऑफ x डिफाइंड होगा, क्योंकि रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू जो है रियल वर्ल्ड के अंदर डिफाइन नहीं है, कॉम्प्लेक्स के अंदर डिफाइन है। लेकिन वो जिक्र कर रहे हैं, जब भी हम लोग फंक्शन का जिक्र करते हैं तो सिर्फ रियल वर्ल्ड के अंदर ही अपने फंक्शन का जिक्र करते हैं, वही सिलेबस में। क्या डोमेन निकालना छोटे लेवल पे क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये जो यहाँ पे, जहाँ पे हमने ये लिखा था, ये अगर यहाँ से लेके यहाँ के बीच में आपने भी मेरी तरह एक लाइन छोड़ी हो, अगर छोड़ी है, इसमें हम एक छोटी सी चीज़ लिखना चाहेंगे। एक छोटी सी चीज़ हमारी मिस हो गई इस जगह पे, इस जगह, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूंगा तो सब कचरा हो जाएगा, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। आपको ऐसे एरो करके नीचे नहीं लिखना है, आपको इसी लाइन में लिखना है। क्या मैं इस डोमेन ऑफ फंक्शन को, क्या मैं इस डोमेन ऑफ फंक्शन को मैथमेटिकली लिखने के लिए एलिजिबल हूँ? और अगर हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मेरी नहीं कर रहा, और अगर हूँ तो कैसे लिखेंगे? जल्दी लिखिए, फटाफट बोलिएगा कुछ मत, अपनी कॉपी के अंदर लिख दीजिए डोमेन ऑफ फंक्शन।
वो मैथमेटिकली यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाएगा? बोलिए सीआर साहब। ए वेयर ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब ये पागल, आर कहां से आ गया बे? अरे आर नहीं सर, ए ए सेट ए। ए कॉमा बी कहां से आ गया बावली झालर? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए हो सकता है क्या? मेंटल A such that A belongs to set A। बस हो गया खत्म। This is domain of function। Relation में हमें इसकी थोड़ा और आगे एक चीज और लिखनी पड़ी थी, लेकिन function define करते वक्त हमें इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं। भाई साहब entire set A जो है वो domain होगा हमेशा। आगे बढ़ते हैं। उड़ा रहा हूँ भाई। बाबू को जाता हूँ। किन मिटा? चलो कोई नहीं। लेट लेट फरीदाबाद एंड गुवाहाटी कैसे लिखना है? देखो देखो, लेट f of x and g of x be two given functions, be two given functions, be two given functions having domain, having domain d1 and d2 respectively, having domain d1 and d2 respectively, then ये सबसे ज्यादा काम आने वाला है भाई। हमारी जिंदगी में हाँ जी सुनिए, एफ और जी फरीदाबाद और गुवाहाटी दो फंक्शंस हैं जिनके डोमेन डी वन और डी टू बोले गए हैं। इनके ऊपर या इन पर लगाए गए एलजेब्रिक ऑपरेशंस, इन पे लगाए गए एलजेब्रिक ऑपरेशंस से बनने वाले चार नए फंक्शंस एफ प्लस माइनस जी, ये दो हो गए। बाद में बोलोगे चार कहाँ लिखा है, तूने तीन ही लिखा है। एफ इंटू जी और एफ डिवाइडेड बाय जी, इनके एलजेब्रिक ऑपरेशन या इन पे लगाए गए एलजेब्रिक ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट और डिवीजन से बनने वाले नए फंक्शन के जो डोमेन होते हैं, ये जो डोमेन होते हैं वो हमेशा की कॉमन वैल्यूज डी वन इंटरसेक्शन डी टू होती है। रटना है क्या? ना, मास्टर जब बोलेगा रटने के लिए तभी रटना है, नहीं तो हर एक चीज d1 इंटरसेक्शन d2 एक्सेप्ट g of x इज नॉट इक्वल टू 0। वेरी गुड, पढ़ रखा है क्या कुठारी जी आपने? क्या चक्कर है, इतनी स्मार्ट कैसे हो रहे हैं? नहीं सर, वो तो डिनोमिनेटर में ये मतलब 0 तो हो ही नहीं सकता। क्या बात, ये बस वेरी गुड। ये थोड़ा सा अंदर। हाँ भैया सुनो, अब ध्यान से समझने की कोशिश। ये इंटरसेक्शन पता है कब लिया जाता है? इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन कब लिया जाता है? जब हमें कैसी वैल्यूज चाहिए। क्या लगता है आपको इंटरसेक्शन के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? कॉमन वैल्यू चाहिए जब दोनों की, जो दोनों को सेटिस्फाई करे। एसटी जी एग्री करती हैं आप इस बात? यस सर। जब हमें कॉमन वैल्यू चाहिए, कॉमन, व्हाई वी आर टेकिंग इंटरसेक्शन, व्हाई वी आर टेकिंग इंटरसेक्शन, सुनो
एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, एक्स प्लस रूट एक्स, जरूरत नहीं है लिखने की, मैं सिर्फ समझाने के लिए इस एग्जांपल को लिया है। ये एक फंक्शन है जो बोलता है कि आप मेरे में कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हो, आई विल गिव यू रियल वैल्यू, डोंट वरी। एक और दूसरा फंक्शन है जो बोलता है कि आप मेरे में कोई भी नॉन नेगेटिव वैल्यू रख सकते हो, आर प्लस यानी कि पॉजिटिव रियल यूनियन जीरो। ऐसे लिखने में हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, किसी में कन्फ्यूजन हो ना तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा कि सर ये क्या लिखा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। आर प्लस पॉजिटिव रियल यूनियन जीरो। अच्छा, तो हम क्या चाहते हैं कि इनके कॉम्बिनेशन से या इनके एडिशन से जो फंक्शन बना है, अगर मैं इसे एफ ऑफ एक्स नाम दे दूं, सपोज इसका डोमेन चाहिए, डोमेन एक्स की वो वैल्यू है जो आपके पूरे फंक्शन को एक डिफाइंड वैल्यू देता हो या डिफाइंड आउटपुट देता हो या डिफाइंड बनाता हो, बस यही डोमेन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसने बोला कुछ भी दे, इसने बोला नेगेटिव मत दे, सीधी बात। तो एडिशन से बनने वाला जो फंक्शन है ये फाइनली कब डिफाइन होगा, ये फाइनली कब डिफाइन होगा, जब दोनों खुश होंगे, है ना, मियां बीवी राजी, राजी तभी हो सकती भाई साहब, सिंपल सी बात है भाई, है ना, दोनों का राजी होना जो है, दोनों का राजी होना जो है वो जरूरी, दोनों का राजी मतलब एग्री होना, खुश होना कि हम कुछ डिफाइंड वैल्यू देंगे। तो जब ये बात आई ना दोनों का, तो बात आई कॉमन की, क्या बात आई कॉमन की। देखो भैया, अगर नेगेटिव एक्स देने की कोशिश करोगे ये तो बर्दाश्त कर लेगा, ये लपड़ मारे खींच के, अब बात को समझो ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये डिफाइन ही नहीं होगा, तो अगर ये डिफाइन ही नहीं होगा तो फिर एडिशन कैसे डिफाइन होगा भाई, दो नंबर का एडिशन तभी डिफाइन होगा ना जब दोनों नंबर डिफाइन होंगे, लॉजिकल सी बात है। तो जब ये वाली बात समझ में आई तब हमें ये चीज़ क्लिक कर गई, क्योंकि इंटरसेक्शन का ऑपरेशन हमें पता था कि भैया इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लिया जाएगा कॉमन तो वही आंसर होगा, इसी को हमने यहाँ पे लिखा D1 इंटरसेक्शन D2। सिमिलरली इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो, बट ऑब्वियसली बात है भाई दो नंबर का प्रोडक्ट कब डिफाइन होगा, जब दोनों नंबर डिफाइन होंगे, इसीलिए कॉमन। दो नंबर का डिवीजन कब डिफाइन होगा भाई, जब दोनों डिफाइन होंगे, बट इसमें कंडीशन है भैया, वो एक्स अलग से हटाओ, वो एक्स अलग से हटाओ जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो बन रहा हो, वो एक्स हटा दो। क्या मेरी बात समझ में आई क्या, क्या मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब सुनना एक बहुत बढ़िया मिलियन डॉलर एग्जांपल बता रहा हूँ, मिलियन डॉलर इस लास्ट वाले के लिए। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लेते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसको बुलाया हमने अपने पास एक्स स्क्वायर को, इधर आ, इससे पूछा हमने क्या लेगा, इसने बोला सब लूंगा, ऐसे भी लोग होते हैं देखो लालची, सब लूंगा सब, तेरी मर्जी जो दे। इसको बुलाया हमने, इसको इसको नीचे वाले को, इसका डोमेन x belongs to r except 0, एसटी जी, सो सेम, विच सेम, मेरा वाला सेम कि कोठारी जी वाला सेम, सेम, या देयर आर टू सेम्स, कौन से वाला सेम सर, उसने जो बोला वही। मास्टर कोई साथ नहीं देना चाहता भाई, मास्टर कोई इज्जत नहीं है देखो दुनिया में, कोई सपोर्ट नहीं करता मास्टर, फिर भी बेचारा मतलब खड़ा होके पढ़ाता रहता गुलाब चंदों की तरह। अबे मैंने जो लिखा है वो सही है, लोग सुनते ही नहीं ढंग से, x से x काट देंगे तो x belongs to r भी हो सकता ना, तब काट, पहले सुन ढंग से, ऑडी चलो, पहले मास्टर को सुनो ढंग से, वो क्या पूछ रहे, हमने एक्स स्क्वायर को बुलाया, हमने एक्स को बुलाया, पूछा हमने क्या लेगा, दे
फिर हमने उसे वापस भेज दिया, जा। फिर हमने एक्स को बुलाया, तू इधर आ, तू क्या लेगा? तो इसे क्या इतने कान में बोल के क्या बोल के गया कान में, कब लूंगा कुछ भी दो, एक्स बिलोंग्स टू आर एस का डोमेन भी बे, देख तो सही, फरीदाबाद और गुवाहाटी दो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, अगर एक्स स्क्वायर लिखाओ देता मैं तेरे को तो डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर लिखता, हाँ अगर मैं तेरे को एक्स लिख के देता तो तू डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर लिखता कि नहीं लिखता ये बता, बोलो। यस सर लिखता हूँ। अरे इनके अलग अलग डोमेन तो एक्स बिलोंग्स टू आर ही है यार। फिर हमने बोला भैया नहीं 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 ध्यान से देख, तेरे को एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का डोमेन डिफाइन करना है। हमने बोला इनके इंटरसेक्शन ले लो, रियल नंबर और रियल नंबर का इंटरसेक्शन क्या होगा, बोलो? रियल नंबर। मगर वो वैल्यू हटानी पड़ेगी तो डिनोमिनेटर को जीरो बना रही, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। और सर एक्स तो कट जाएगा ना, बाद में कटेगा। वाइल डिफाइनिंग द फंक्शन यू आर नॉट अलाउड टू सिंप्लीफाई योर फंक्शन, बिल्कुल नहीं। जब भी अपन डोमेन डिफाइन कर रहे होंगे, डोमेन दिए गए फंक्शन की रॉ फॉर्मेट में, रॉ या ओरिजिनल जो भी बोलना चाहो, जिस सिचुएशन में दिया गया है उसी सिचुएशन में उसके हर एक छोटे से छोटे पार्ट को डिफाइन करने के बाद दिया जाएगा। इसीलिए सबका इंटरसेक्शन लिया जाता है। और सबका मतलब दो ही तो बोले आपने, अबे कल को 10 फंक्शन भी एडिशन में मिल सकते हैं, उनमें भी सबको खुश करते हुए चलना पड़ेगा। अगर 10 फंक्शन एडिशन में लिखे हैं तो उन 10ों के अलग अलग डोमेन निकाल के उनका इंटरसेक्शन ही फाइनल आंसर होगा। इंटरसेक्शन क्यों लिया जा रहा है ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि मुझे मेरी चाहत है कि हर एक आदमी खुश, तभी मेरा दिया गया फंक्शन डिफाइन होगा। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? यस सर क्रिस्टल क्लियर है। पक्की बात? यस सर पक्की बात। गुड। तो एक्स इसका डोमेन क्या हुआ, फाइनल डोमेन क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट जी। ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं अलग अलग, अबे एरो मार्क करके लिखे हैं, समझा तो करो थोड़ा सा। ये एक्स स्क्वायर का डोमेन, अगर एक्स स्क्वायर ऐसे कहीं पड़ा होता वहाँ पड़ा है उसका डोमेन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर है, एक्स पड़ा है उसका डोमेन क्या, एक्स बिलोंग्स टू आर। लेकिन जब ये डिवीजन में आए तो इन्होंने इस बात की इज्जत रखी, भैया इंटरसेक्शन तो ले लो लेकिन डिनोमिनेटर में जो भी जीरो होने वाली वैल्यू हो ना, जो भी डिनोमिनेटर को जीरो बना रही हो, क्योंकि जीरो भी एक डिफाइंड वैल्यू है, तो ये जीरो पे जीरो बन रहा है तो वो इसके डोमेन में तो है, एक्स के डोमेन में तो जीरो है, लेकिन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के डोमेन में जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होने दे सकता मैं। सीधी बात है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, इसलिए आर एक्सेप्ट जीरो हटाया गया। फाइन, आगे बढ़े। Yes, मेरी राइटिंग की कभी कभार तारीफ कर दिया करो, मतलब कितना प्यार से लिखता हूँ, मतलब कोई मतलब इज्जत नहीं करता यार। नहीं सर आपकी राइटिंग तो क्या है, पूरा बोल ढंग से, आपकी राइटिंग तो इसके आगे जो बढ़ाई करी वो तो गायब हो गई। अच्छी है सर, मतलब बहुत ही अच्छी, मतलब आपके नोट्स भी इतने अच्छे बनते। थैंक यू कोठारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपका भला करे, बहुत लंबी उम्र तासीर करे आपको। तासीर का मतलब समझ में आता है आपको? दे तो मैंने उसके आगे भी बोला था तासीर, अच्छा तासीर करे बोला था मैंने, ठीक। हाँ उड़ा दूं, तासीर का मतलब होता है यस सर कि मुहैया कराया आपको। मुहैया मतलब पता है सृष्टि जी? पता नहीं सर कौन सी लैंग्वेज बोलते हो आप यार, इसके अलावा कुछ और बोलना सृष्टि जी? यस सर। मुहैया मतलब पता है मुहैया? नो सर सच्ची नहीं पता, मतलब ऐसे आपको सेंटेंस से भी नहीं समझ में आ रहा मुहैया का मतलब क्या होगा सर? सेंटेंस एक और बार बोले। हाँ गलत बात है यार, मास्टर की बात ही नहीं सुनते हो तुम लोग यार, दिल तोड़ दिया आपने। मुहैया मतलब होता है अवेलेबल कराना, जैसे सरकार ने आपको ये वाली सुविधा मुहैया कराई है तो बोलते हैं अवेलेबल कराना किसी चीज को। हाँ कोडोमेन, कोडोमेन
entire set B is called codomain. The entire set B is called codomain. Codomain of any function contains B type ke element such that B belongs to set B. That's it. Codomain is usually given in the question. If just in case it is not given in the question, we always consider it as all real number. Hum hamesha ise kya consider karte hain? All real number. In general, codomain jo hai wo diya rehta hai. Master tu kya kar raha hai? Maine jo bola use hindi mein translate karke bata raha. In general jo hai codomain jo hai wo question ke andar given hota hai. Ye kya bol ke कि आपका फंक्शन यहां से यहां डिफाइन है. ठीक है ना, ध्यान से, आपका फंक्शन यहां से यहां डिफाइन. श्रेष्ठ जी, इसमें यहां से कौन है? पता पड़ेगा कितने अच्छे से सुन रहे हैं. श्रेष्ठ जी, यहां से कौन है? यस सर, यहां से कौन है इसमें? सर सेट बी के जी फेल. अभिषेक जी, रियल आर दोनों ई तमाचा मार लो अपने को. ई तमाचा कदेड़ो सही नहीं हो. आपका फंक्शन यहां से यहां डिफाइन, इसमें यहां से विल ऑलवेज बी सेट ए बट डोमेन. यार आपको इसका नाम मिल गया. अब आपको फंक्शन के लिए इसका नाम मिल गया है. फंक्शन विल ऑलवेज बी डिफाइंड फ्रॉम इट्स डोमेन. सेट ए से सेट बी हो गया हमारा चैप्टर खत्म. भाई बड़े हो गए हैं, अब हमें डोमेन की एक्चुअल डेफिनेशन मिल चुकी है फंक्शन के लिए, जिसके लिए वो डिफाइन है. सिर्फ वही वैल्यूज रखी जा सकती है. अब हम लोग सेट ए करके कभी आपको नहीं पूछा जाएगा फंक्शन का डोमेन. भाई जो अभी यहाँ पे मैंने दो नन्हे मुन्ने एग्जांपल लिखे थे ना, उस तरीके के बड़े डरावने क्वेश्चन होंगे जिसमें डोमेन पूछा जाएगा. तो डोमेन का मतलब क्या है भैया? जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइन. डोमेन विल ऑलवेज बी डिफाइंड फ्रॉम इट्स डोमेन टू, सॉरी फंक्शन विल ऑलवेज बी डिफाइंड फ्रॉम इट्स डोमेन टू. अब टू क्या है? टू की जगह आपका सेट बी है. सेट बी इज वॉट? या तो गिवन होगा जिसे कोडोमेन बोलते हैं. अगर नहीं गिवन है तो हम हमेशा क्या लेंगे? रियल नंबर लेंगे कि भैया, क्योंकि हमारे जिंदगी में रियल वैल्यूड फंक्शन ही हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम लोग रियल नंबर लेके चलते हैं. अदरवाइज क्वेश्चन में दिया रहेगा भैया यहाँ से यहाँ डिफाइन. ये जो यहाँ है दैट इज योर कोडोमेन. जो गिवन होगा, नहीं गिवन है तो क्या लेना है? नहीं गिवन है तो क्या लेना है? रियल नंबर. रियल नंबर लेना है. डोमेन जरूरी नहीं है गिवन हो, लेकिन आप अपनी इच्छा से पूरा रियल नहीं ले सकते. ये ध्यान दें, आप अपनी इच्छा से पूरा रियल नहीं ले सकते. फिर हम कब कर क्यों रहे हैं डोमेन? भाई हमने दो चार क्वेश्चन क्यों करे? उसका ऑल रियल थोड़ी आया था. डोमेन जरूरी नहीं ऑल रियल हो. तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, वेरी कर सकता है. ठीक है, क्लियर है? यस सर, क्लियर. हाँ, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन क्या है भाई? रेंज ऑफ फंक्शन सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ आउटपुट. सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ आउटपुट और फंक्शनल इमेजेस, फंक्शनल इमेजेस भी बोला जाता है. सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल आउटपुट, क्या लिखा था? सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ आउटपुट, जो भी लिखा था आप, और फंक्शनल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ डोमेन, और for all the values of its domain. ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझा देता हूँ मैं फिर से. भाई डोमेन के जितने भी पॉइंट्स हैं,
उन सभी को आपके दिए गए लॉजिक, जिसे आप फंक्शन बोलते हैं, उसमें रखने पे जौन जौन सी वैल्यूज़ हमें एज अ आउटपुट मिलेगी, जौन जौन सी वैल्यूज़ हमें एज अ आउटपुट मिलेगी, वो सभी मतलब उन वैल्यूज़ का जो सेट होगा, उन वैल्यूज़ का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा? रेंज। रेंज कहलाएगा, ठीक है। समय सीमा कितनी हुई है? टाइम है अभी, ठीक है। ये तो डेफिनेशन है ना। और अगर सेट ए से सेट बी के अंदर डिफाइन है फंक्शन, तो जो भी फंक्शनल इमेजेस हैं सेट ए के सारे एलिमेंट के, जो जो फंक्शनल इमेजेस हैं उनका सेट, यानी वही सेट बी के यूज्ड एलिमेंट, देसी भाषा में सेट बी के जोन से भी एलिमेंट यूज हुए हैं उस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, वो क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। मैंने आपको क्या बोला? ना कोई आपसे ए से बी में फंक्शन डिफाइन करके डोमेन रेंज पूछेगा, ना जिंदगी में कभी आपसे ऐसी फोटोएं बना के डोमेन रेंज पूछेगा। अबे जो चीज सामने दिख जाएगी वो तेरे से पूछेगा थोड़ी, अपने से जिस तरीके से पूछा जाएगा वो वाली चीज अपन लोग अब पढ़ने की कोशिश करते हैं। नोट लिखते हैं, ये तो रेंज की वो हो गई डेफिनेशन है। अच्छा, अगर इसे मैथमेटिकली लिखना हो तो भाई साहब, रेंज ऑफ फंक्शन ऑलवेज कंटेन्स एफ ऑफ ए टाइप के एलिमेंट। यहाँ प्रिविलेज है मेरे पास, मैं एफ ऑफ ए लिख सकता हूँ, मुझे बी लिखने की जरूरत नहीं है ना। रेंज में दिक्कत थी सिर्फ इतना लिखने से, और इसके बाद इतना लिखने से काम चल जाता है। दैट्स इट खत्म। इतना लिखना काफ़ी है, बहुत शॉर्ट में रेंज लिखी जा सकती है मैथमेटिकली। फाइन। Yes, अब देखो, इतनी छोटी सी चीज पे अगर किसी ने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना दिया ना बेटा, किसी दिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, पता है क्या बनाएगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन? रेंज ऑफ अ रिलेशन लिख दिया उसने, रेंज ऑफ अ रिलेशन, सेट ऑफ आर ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए। गलत है, आर ऑफ ए लिखा ही नहीं जा सकता, कि आर ऑफ ए यूनिक वैल्यू गारंटी कौन ले रहा है भाई? रिलेशन के केस में आर ऑफ ए नहीं लिख सकते क्योंकि वो वैल्यू यूनिक नहीं है। इसमें लिख सकते हैं क्योंकि हम डेफिनेटली जानते हैं कि वैल्यू यूनिक। ओके, हेलो सर, मींस जो रेंज है वो क्या सबसेट है डोमेन का? आ रहे मुन्ना, ये तो मैंने वहां भी लिखा था रिलेशन में, ये तो मैं तुमसे पूछने वाला था, तुम मेरे से पूछ रहे हो। ये अच्छा है, ये मास्टर हमसे पहले बाद में पूछेगा क्वेश्चन, हम ही पूछ लेते हैं पहले। फर्स्ट, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ऑब्वियसली। यस, अरे ऑब्वियसली है ही भाई, एंटायर सेट बी क्या है? कोडोमेन है, दिया गया है सेट बी, बहुत अच्छी बात है। नहीं दिया गया है तो क्या है? ऑल रियल वैल्यूज। क्या हमेशा हर फंक्शन के अंदर मैं सॉरी रियल वैल्यूज एज आउटपुट मिलेगी? नहीं ना, सारी रियल वैल्यूज हमें एज अ आउटपुट मिलेगी, उसका सबसेट भी मिल सकती है, तो सबसेट हमेशा मिलेगी, रियल भी मिल सकती है। कुछ फंक्शन के अंदर हमारा पूरा नीचे से लेके ऊपर तक सारा मिलता है, कुछ में नहीं मिलता, ठीक है, उसके लिए हम लोग लिख रहे हैं। सेकेंड बात, अब देखते हैं ध्यान से, सुनो ध्यान से, स्टार रेंज ऑफ अ कंटिन्यूस वैल्यू, ओ सॉरी, रेंज ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड, या इज ऑलवेज गिवन फ्रॉम इट्स मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, is always given from its minimum value to maximum value. हिंदी में किसी सतत फलन का परिसर हमेशा उसके न्यूनतम मान से अधिकतम मान तक होता है। और क्या बोला आपने? किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन, यानी कि जो टूटा हुआ ग्राफ नहीं है, उसकी रेंज हमेशा उसकी मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक होती है।
फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दें सभी लोग, एक फंक्शन का ग्राफ अगर आपने 11th क्लास के अंदर देखा है, y इज इक्वल टू साइन x, आई डोंट नो आपने देखा है नहीं देखा, उठारी जी ने तो देखा है, यस सर देखा है, अष्टी जी को मेरे को नहीं पता, सर देखा है, ऐसी समंदर की तरह से लहरें बहती रहती है ना, ये जो कंटिन्यूस फंक्शन है इसकी जो लीस्ट वैल्यू है, देखो आउटपुट लिख रहा हूं y एक्सिस पे प्लस वन, ये ग्राफ किसका बनाया हमने, y इज इक्वल टू साइन एक्स का, रेंज क्या होती है, बेसिकली जो भी आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो कर्व बना हुआ है ना, कर्व, उस कर्व को ध्यान से सुनना, ऐसे अगर समेट लिया जाए तो वाई एक्सिस पे जितनी दूर वो आपको फैला हुआ दिखाई देगा, वो आपको फैला हुआ दिखाई देगा, वाई एक्सिस पे जितनी दूर वो आपको फैला हुआ दिखाई देगा, ये इसकी रेंज कहलाती है, क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है, समझ में आ रहा है क्या, यस सर, तो इसकी रेंज क्या हुई, माइनस वन टू वन क्लोज, दिस इज द रेंज ऑफ साइन एक्स। दूसरा एग्जांपल जो आप लोगों ने सुना होगा अपनी जिंदगी में, अ क्वाड्रेटिक माउथ ओपनिंग अपवर्ड, अ क्वाड्रेटिक माउथ ओपनिंग अपवर्ड, रेंज बताओ, पॉजिटिव ऑलवेज, अच्छा हाँ भाई सृष्टि जी, इसकी रेंज बेटा जबरदस्ती नहीं है, पता है तो ठीक है, नहीं तो मास्टर बताएगा, सर हॉरिजॉन्टल लाइन तो बना, ये तो चुप कर, अब शांति रख तू, सृष्टि जी सर पॉजिटिव ऑलवेज, उठारी जी इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताओ, माइनस बी बाई टू ए कोमा माइनस डी बाई फोर ए, सृष्टि जी सेम के अलावा कुछ और आंसर बोलना, तो वर्टेक्स बोल के बताना है आपको, सो माइनस बी बाई टू ए कोमा माइनस डी बाई फोर ए, इसको जापो पूरे दिन, इसको ये मत जाप करो गुलाब चंदों की तरह कि इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए कोमा माइनस डी बाई फोर ए होता है ना, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस क्वाड्रेटिक के अंदर माइनस बॉम्बे अपॉन टू आगरा रखने पर माइनस दिल्ली अपॉन फोर आगरा मिलता है, मिलने वालों का सेट रेंज, रखे जा सकने वाले लोगों की जो वैल्यू है वो डोमेन, ये बात हम नहीं कर रहे फिलहाल, अभी हमारा इंटरेस्ट किस में है, रेंज में, रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज परिसर औकात फंक्शन की, फंक्शन क्या क्या वैल्यू दे सकता है हमें, हमें इस फंक्शन से क्या क्या मिल सकता है, इस रेंज हमें क्या मिल सकता है ये बताओ भाई साहब, वो रेंज उस फंक्शन के हिसाब से अगर सोचा जाए तो उस फंक्शन के देने की क्या क्या औकात है, देने की एक होती है लेने की औकात, एक होती है देने की औकात, फंक्शन की तरफ से सोचेंगे तो वो क्या क्या ले सकता है वो उसके डोमेन का हिस्सा है, वो क्या क्या दे सकता है वो उसके रेंज का पार्ट है, तो माइनस बॉम्बे अपॉन टू आगरा किसका पार्ट है, इनपुट का कि आउटपुट का, इनपुट, इनपुट माइनस दिल्ली अपॉन फोर आगरा किसका पार्ट है, आउटपुट, आउटपुट हमारे लिए आज के बाद कोऑर्डिनेट ये हैं, इन कैलकुलस किसी भी फंक्शन पे दिखने वाले कोऑर्डिनेट मेरे लिए कोऑर्डिनेट और एफसीसा या एफसीसा और ऑर्डिनेट्स नहीं है ना, मेरे लिए वो इनपुट और आउटपुट है, अब बात आती है कि इनपुट कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस आउटपुट कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे,
ये बनाया मैंने y एक्सिस, ध्यान से सुनना, x नहीं बना रहा ना सर, क्यों, जरूरत नहीं है भाई, इसकी रेंज बताने के लिए मुझे x एक्सिस की जरूरत नहीं है, मुझे कर्व को ऐसे समेट के लाना है, पचैक y एक्सिस पे लिटा देना है, y एक्सिस पे जहां से लेके जहां तक कर्व दिखेगा वो उसकी रेंज होती है। y एक्सिस पे जब मैंने देखा तो जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट था, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट डॉटेड बना रहा हूँ, डॉटेड, अब वो थोड़ा सा मेरे को ऐसे बनाना पड़ेगा, आप डॉटेड बनाइएगा इस लाइन को, ये लोएस्ट मोस्ट पॉइंट, बताओ क्या इसके नीचे कभी कोई कर्व का पॉइंट मिलेगा क्या मेरे को, जल्दी बताओ। नो सर। विल आई एवर गेट एनी पॉइंट लोअर देन दिस फॉर दिस क्वाड्रेटिक, मिलेगा? नो सर। नहीं मिल सकता भाई, नहीं मिल सकता, इसे यही तो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है जिसे आप इसकी मिनिमम वैल्यू बोलते हो, मिनिमम वैल्यू क्यों बोलते हो भाई, मिनिमम वैल्यू लॉजिक है ना उसका, हैं, इसकी लीस्ट वैल्यू जो है, इसका जो लीस्ट पॉइंट है जिसे आप लोग वर्टेक्स के नाम से जानते हैं, द कर्व इज नोन एज पैराबोलिक इन नेचर, जिसका वर्टेक्स माइनस बॉम्बे अपॉन टू आगरा माइनस दिल्ली अपॉन फोर आगरा कहने के लिए हैं, लेकिन हमारे लिए माइनस बॉम्बे अपॉन टू आगरा रखने पर माइनस दिल्ली अपॉन फोर आगरा मिलता है जो कि इसकी लीस्ट वैल्यू है, और अगर इसकी रेंज पूछी जाएगी तो भैया इस लेवल से लेके, इस लेवल से लेके आकाश लोक तक, इधर आप ऊपर तक जाता है रेंज, बोलो अब, अब तो कोशिश कर लो एक बार बोलने की, माइनस डी बाई फोर ए क्लोज टू इन्फिनिटी। ट्रस्टी जी सेम? यस सर। थैंक यू। ओके, अगर ये चीज समझ में आई है, अभी पता पड़ जाएगा भाई सब, समझ में आई नहीं आई, इसकी रेंज क्या है, परी क्या है, ये पैराबोला है मेरा, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, माइनस इनफिनिटी टू माइनस डी बाय फोर ए क्लोज। यस सर, माइनस इनफिनिटी टू माइनस डी बाय फोर ए क्लोज। हेलो हेलो, पाताल लोक से माइनस दिल्ली अपॉन फोर आगरा क्लोज, पाताल लोक बोले तो ऐसे जमीन के नीचे, माइनस इनफिनिटी से लेके माइनस दिल्ली अपॉन फोर आगरा विच इज द टॉप मोस्ट पॉइंट, अगेन द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। बहुत बढ़िया, शाबाश मुगेम्बो, बहुत खुश हुआ, जो उम्मीद है कि आप लोग भी खुश हुए होंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ जो फंक्शंस हैं स्टैंडर्ड के टाइप्स के ग्राफ, उनकी और उनकी रेंज की बात कर रहे होंगे। आज आप लोगों को व्हाट्सएप पर फंक्शन की शीट जो है, मॉड्यूल जिसे बोलते हैं, वो सर्कुलेट कर दिया जाएगा, सिर्फ देख के खुश होने के लिए, पढ़ के फैंटम बनने की कोशिश ना करें, ठीक है, सिर्फ इसलिए सर्कुलेट कर दिया जाएगा कि हाँ ये भी मिलेगा, सिर्फ इसलिए, क्लियर है? यस सर। उसे पढ़ के फैंटम नहीं बनना है, अरे सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अरे सर मैंने तो चार क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी, मैं तो बर्बाद हो गई, हो गया, सिर्फ देख के खुश होने के लिए, हाँ चलो ठीक है, ऐसा भी कुछ मिलेगा, क्लियर? यस सर। अगली मुलाकात कल सुबह सेम टाइम सेम प्लेस सेम मास्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बढ़िया एंजॉय करें, क्वाड्रेटिक और इनइक्वालिटी रिवाइज करने की बढ़िया तरीके से पूरी कोशिश करें। ओके सर, बाय सर, थैंक यू, बाय शाय, थैंक यू सर, बाय बेटा, थैंक यू।